तो नमस्कार बच्चों एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू चलिए जस्ट एक बार आप लोग कंफर्म कर देंगे बेटा क्लियर है मेरी ऑडियो वीडियो सभी क्लियर है देन सेशन को सुपर फॉर्म में कंटिन्यू करेंगे यस yes, प्लीज एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए क्या मैं विजुअल हूं आप लोगों के लिए वॉइस क्लियर है क्योंकि आज फिर एक न्यूज सेटअप स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्योंकि पुराने सेटअप में डेली कोई ना कोई इशू आ रहा था तो उसको चेंज किया है एक न्यू सेटअप स्टार्ट किया है तो जस्ट एक बार आप लोग बताएंगे मुझे बेटा मेरी वॉइस क्लियर है है ना ये एक मोस्ट अवेटेड सेशन था शायद स्टूडेंट्स बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे थे कि सर एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड सेशन ले लीजिए एकदम परफेक्ट है बस थोड़ा सा मेरे फेस पे जो लाइट है वो डल लग रही है चलो इसको भी क्लियर करेंगे और बाकी परफेक्ट तरीके से सेशन से से चल रहा है यस ठीक है तो चलो सेशन से को कंटिन्यू करेंगे हाँ सर वॉइस एंड ऑडियो दोनों क्लियर किसी भी तरह का कोई फ्लैक्चुएसन वॉइस में या कोई बफरिंग वीडियो में

मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैसे इनहेंस कर सकते हो कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो और रेक्टिफाई करके कैसे ऑप्टिमम वे में अपने टाइम को यूटिलाइज करके हम लोग लोग अपना मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन आप पढ़ते हो का मतलब पता है ना क्या होता है कि मिनिमम टाइम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम बेनिफिट लेना ऑप्टिमाइजेशन केमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है और केमिकल इंजीनियरिंग में ये सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो मैं चाहता हूं कि जो चीजें हम ऑप्टिमाइजेशन में पढ़ते हैं तो उस ऑप्टिमाइजेशन को हम अब यहां पर अप्लाई करें इस दिसंबर और जनवरी में और मिनिमम टाइम इन्वेस्टमेंट करके एक स्मार्ट वे में बेटर एफर्ट के साथ हम मैक्सिमम मार्क्स बेटर रैंक रैंक बेस्ट अचीव कर सके ये हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है अब हमें यहां पर क्या क्या करना है हमें अपने एरर्स को ऑप्टिमाइज करना है ऑप्टिमाइज का मतलब मिनिमाइज करना है ऑप्टिमम का मतलब ये नहीं होता हमेशा मिनिमम होना या हमेशा मैक्सिमम कुछ चीजें मिनिमम होती हैं कुछ चीजें मैक्सिमम होती हैं तो हमने क्या बोला कि हमें एरर को मिनिमाइज करनी है हमारे पास टाइम कम है तो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी की बात करनी है मतलब उतने ही टाइम में हम ज्यादा चीजों को कवर कर पाए रिवाइज कर पाए प्रैक्टिस कर पाए मैक्सिमम गेन कर पाए और अब हमारे पास एफर्ट तो हम खूब कर सकते हैं लेकिन उस एफर्ट करने का टाइम सीमित है तो इस फिक्स टाइम में ही हम कुछ ऐसी सेलेक्टिविटी को चूज करें जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इनहेंस हो जिससे कि प्रोडक्ट का जो हमारा प्रोडक्शन है वो इनहेंस हो ये हमारा एम होगा और यहां से आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि कि कुछ आपको ये ये बताया जा रहा है कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, है कौन से टॉपिक हमारे मोस्टली टाइम पूछे जाते हैं है ना कौन कौन से टॉपिक के लिए हमें ज्यादा टाइम देना है कौन से सब्जेक्ट के लिए ज्यादा टाइम देना है और एक ये पाई चार्ट आपको पूरा बनाया है यहां से भी मैंने आप लोगों को ये एक

हम वेरिएशन कर दें क्योंकि ये दोनों हमारे गेट एग्जाम में फिक्स हैं एप्टीट्यूड 15 का ही आएगा मैथमेटिक्स 13 का आएगा बाकी का फिक्स नहीं होता लेकिन हम ऑन एवरेज ऐसा कंसीडर करते हैं कि सीआर 12 मार्क्स की आएगी एफएम और एमओ मिला के ट्वेल्व मार्क्स का आएगा और एफएम और एमओ एमओ कभी कभी थ्री मार्क्स की कभी फोर मार्क्स की कभी फाइव मार्क्स की और जो एफ है कभी सेवन का कभी एट का कभी सिक्स का ऐसे रहता है तो हमने इसको टोटल ट्वेल्व मार्क्स कंसिडर कर लिया है पीसी और थर्मोडाइनेमिक्स इलेवन मार्क्स का वैसे एट मार्क्स के आसपास का थर्मो आता है जिसमें टू मार्क्स का क्लासिकल थर्मो और सिक्स uh, मार्क्स uh, का सोल्यूशन थर्मो कभी कभी ऐसा हो जाता है फाइव मार्क्स का सोल्यूशन थर्मो थ्री मार्क्स का क्लासिकल ठीक है और ज्यादातर सोल्यूशन थर्मो ज्यादा ही आता है गेट एग्जाम में लेकिन जब हम इंटरव्यू uh, के बेसिस पे बात करें तो वहां पर क्लासिकल थर्मो इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस कैलकुलेशन मैंने इसी में इंक्लूड किया है क्योंकि गेट के सिलेबस में भी थर्मो के साथ में आता है तो अगर हम उसमें बात करें तो कभी कभी पीसी जीरो नंबर का मतलब पूछा ही नहीं जाता बीच में अभी लास्ट फाइव ईयर में अगर मैं बात करूं तो एक बार जीरो नंबर का है एक बार दो नंबर का एक बार तीन का एक बार चार का तो अगर मैं बात करूं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीसी न भी पूछा जाए लेकिन हाँ कम से कम एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि दो दो नंबर का या क्वेश्चन आएंगे जीरो हो जाए। एक साल लास्ट फाइव ईयर में जीरो भी हुआ है अगर मैं मास ट्रांसफर की बात करूं तो मास ट्रांसफर का एवरेज मैंने टेन लिया है क्योंकि लास्ट टाइम तो बहुत ही कम पूछी गई शायद सिक्स या सेवन मार्क्स की सेवन मार्क्स की और कभी कभी हमारा थर्टीन मार्क्स तक पहुंच लेता है तो मैंने ऑन एवरेज ले लिया टेन वैसे इसका वेटेज जो होता है टेन अलेवन टेन इलेवन कभी कभी ट्वेल्थ तक पहुंच जाता है बट ऑन एवरेज आप कंसिडर करेंगे तो टेन टू इलेवन आता है हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर वैसे तो इसका एवरेज वेटेज जो होता है वो सेवन टू एट मार्क्स का होता है लेकिन लास्ट टू टू थ्री ईयर से हमने देखा हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिंस का क्वेश्चन जो पहले कभी नहीं आता था वो पूछा जा रहा है तो अब वो टेन मार्क्स के अप्रोक्स चली गई है

कभी कभी ऐसा होता है पीडी फोर मार्क्स का हो गया तो सी भी फोर मार्क्स का हो गया तो ये सेवन टू एट मार्क्स का वेटेज रहता है तो इसको हमने ऐसा कंसीडर कर लिया मैंने कुछ सब्जेक्ट को कंबाइन कर लिया वन टू थ्री वो इसलिए कंबाइन कर लिया क्योंकि फिर इसमें हॉज और हो जाता तीन कलर और इंक्लूड हो जाते उनकी स्टिप छोटी दिखने लगती तो वो फिर मजा नहीं आता इसलिए मैंने इसको ऐसे कंसिडर कर लिया अच्छा आप समझिएगा यहां पर तो ये जो हम लोगों ने चार्ट बनाया है इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आ जाता हूं और कैसे कैसे हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है क्योंकि हमारा एक ये भी है है कि लास्ट डेज का एक एक स्मार्ट प्लान करें ना होता है कि आप लैबोरियस बहुत है आप रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं और एक होता है कि आप उतना लोड नहीं ले रहे हो लेकिन जो चीजें करनी थी ना आप उसको एक स्मार्ट वे में कंप्लीट कर ले रहे हो। होता है ना कि कोई हो सकता है कि आप देखते हो लगातार रात दिन लगा रहता है उसका काम ही नहीं खत्म होता और कोई स्मार्ट वे में उस वर्क को फिनिश कर लेता है तो ये तरीके होते हैं तो हम लोगों को ना लेबोरियस तो बनना है लेकिन अगर स्मार्ट वे में लेबोरियस बनते हैं तो हम तो शायद हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं अपनी क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं अपने मार्क्स की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं तो हमें अब, अब स्मार्ट वे को भी यहां पर इंक्लूड करना है जैसे कोई आपने अपने अंदर एक ए टूल लगा लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब आपके अंदर एक इंटेलिजेंसी आ गई आप उसकी हेल्प से आप वर्क कर रहे हो गेट एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों से मैं पूछता हूं कमेंट करके बताइएगा गेट एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है क्या है गेट एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज नहीं कई चीजें हो सकती हैं आप लोग जस्ट कमेंट करिए बताइए तब तक मैं आगे बढ़ता हूं ठीक है जब तक मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता रहा हूं तब तक आप इसका कमेंट करिए कि गेट एग्जाम में आपको क्या लगता है आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ठीक है इसका कमेंट करिएगा आप लोग तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बेटा ये जो आप चैनल देख रहे हैं ये एक न्यू चैनल है इसको बने हुए सिर्फ और सिर्फ थ्री मंथ हुए थ्री मंथ कुछ डेज है ना लगभग मान के चलिए सेवन डेज थ्री मंथ सेवन डेज और इस थ्री मंथ सेवन डेज में हमने बहुत कुछ अचीव किया और सबसे ज्यादा जो अचीव किया वो बच्चों का प्यार और सपोर्ट लेकिन जितनी मुझे उम्मीद थी उतनी तो नहीं क्योंकि मैंने उम्मीद किया था कि हम 5000 सब्सक्राइबर बेस पहुंच जाएंगे जब हमारा ये कोर्स स्टार्ट होगा क्योंकि इतने स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में हैं मेरे कांटेक्ट में लगभग लगभग अभी मैं बात करूं तो 16000 आसपास नंबर सेव है बच्चों के मतलब बच्चों के और मेरे टोटल मिला के सिक्सटीन के आसपास बच्चे

तो मैंने आपको क्या बताया डेली मेरे पास दो तीन सौ दो ढाई सौ इतने मैसेज आते हैं और डेली मैं उतने को रिप्लाई करता हूं तो अगर किसी का मैसेज मिस हो जाए तो बेटा बुरा मत मानना परेशान मत होना और ऐसा मत सोचना सर ने रिप्लाई नहीं किया एक मैसेज फिर दोबारा कर देना वो मैसेज ऊपर आ जाएगा शायद मैं फिर आपको जरूर रिप्लाई कर दूं क्योंकि मेरे ऊपर आप अभी समझ नहीं रहे हो लोड बस मैं वो नहीं करता कि हर चीज को मैं दिखाने का ट्राई करूं कि डेली एक मैसेज आए मैंने स्क्रीन शॉट लिया आज भैया मेरे पास इतने मैसेज आए आज मेरे पास ऐसा है आज बच्चों ने ये फिर मैं नहीं कर पाता हूं क्योंकि इतने मैसेज आते हैं मुझे लगता है कुछ दिल की बात दिल तक रखनी चाहिए लेकिन एडवर्टाइजमेंट अब बहुत जरूरी हो गया है तो अब न्यू प्लेटफॉर्म है तो वो भी करेंगे भाई रिवोल्यूशन इन केमिकल इंजीनियरिंग ये मैंने स्टार्ट किया था एक ऐप बनवाया था ऐप का रियल मैंने व्यू यहां पर शो नहीं किया क्यों कोई कॉपी करे और कॉपी करना तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आके देख के कॉपी करो भाई है ना नहीं तो तो वो हम लोगों ने ये आईकॉन्स ये सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट रखी हैं बड़ा मजा आएगा आप ऐप ओपन करिएगा ऐप की लिंक नहीं मिले तो इसके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और ऐप की लिंक आपको इसी सेशन के एंड होने में में कमेंट बॉक्स मैं पिन कर दूंगा अभी मैं लाइव चैट में भी पिन करवा दूंगा और इसके अलावा आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और इसके अलावा अगर किसी को भी नीड है तो सेशन के एंड में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा आप डायरेक्ट मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एक चेंज मैंने स्टार्ट किया था इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की दुनिया में इस एजुकेशन की दुनिया में इस केमिकल इंजीनियरिंग के एजुकेशन में तो वो चेंज को अब आप लोग शायद फील कर पाएंगे और वो चेंज था हमारा ये टाउ त्रिटी का त्रिंटी मतलब थ्री का एक कॉम्बिनेशन है जहां से आप लोगों को सारी चीजें बेस्ट वे मिले और जब मैंने अभी स्टार्ट किया अभी तो मैं सिंगल हूं और इस सिंगल में हम लोगों ने स्पेशल ऑफर का लकी ड्रा भी थे वो लकी ड्रा भी आप लोगों का सेवनटीन को होने वाला है ठीक है मैं बस बहुत दो मिनट में सारी चीजें फिनिश कर दूंगा ठीक है तो ये एक न्यू हम लोगों ने समथिंग बिगेस्ट इज कमिंग सुन ट्वेंटी टू नवंबर को हमने लॉन्च किया था जिसमें हमने अपनी ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया था और फिर इसके बाद ट्वेंटी को मैंने आरंभ किया था एक न्यू बैच और वो न्यू बैच में सबसे पहले मैंने केयर की थी गेट ट्वेंटी के बच्चों की जो मेरे अपने बच्चे हैं जिन बच्चों को हर साल मैं आ, अपना सीबीटी करवा के देता था सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसमें फुल लेंथ टेस्ट होता है और वो फुल टेस्ट हर साल में चार पांच चार पांच प्लान करता था और वो डिपेंड करता था कि जनवरी में कितने संडे या सैटरडे क्योंकि गेट का एग्जाम वीकेंड में सैटरडे या संडे में होता है और जितने भी सैटरडे संडे होते थे हर वीकेंड में हम लोग एक सीबीटी रखते थे और कभी मैं कभी सुमित सर ऐसे करके अल्टरनेट में लेते रहते थे और ये आज की बात नहीं है ये हम पिछले चार साल से कर रहे हैं और उस सीबीटी का बेनिफिट इतना होता था

और दूसरे टेस्ट के क्वेश्चन बन चुके हैं उनके रिचेक कर रहे हैं हम चाहते हैं एरर फ्री हो और सबसे बड़ी बात अभी तक हम लोग स्पेशल क्लास में ये आपको प्री कराते थे उस स्पेशल क्लास में मैं खुद प्रेजेंट होता था या एक सर थे वो खुद प्रेजेंट होते थे हम लोग टाइम डिसाइड करते थे कि इस क्वेश्चन को इतने मिनट देंगे हम एक क्लॉक डिसाइड करते थे उस क्लॉक में टाइम चलता था आपका एक टाइमर चलता था आपको ऑप्शन देते थे ऑप्शन में टिक करना होता था फिर आपको या तो एन है तो आपको अपना जो आंसर है वो टाइप करना होता था ये सारी झंझटें हटा देंगे क्योंकि वहां पर अपनी नहीं चलती थी वो खुद का प्लेटफॉर्म नहीं था ये सारी झंझट हटा दी आप फील लाइक गेट है ना बिल्कुल आप गेट के एग्जाम के मधोस में खो जाएंगे आप जब भी ओपन करेंगे इस टेस्ट को तो आपको फील क्या होगा कि मैं तो गेट का एग्जाम दे रहा हूं जो ऑलरेडी एक बार गेट दे चुके हैं उनको तो फील आएगा जो पहली बार दे रहे हैं वो बिलीव करिए कि यही गेट का एग्जाम है क्योंकि जब आप जाएंगे तो यही मिलेगा और इसका बेनिफिट क्या होगा मैं इसलिए इस, इस स्लाइड में टाइम भी ले रहा हूं आप जब अटेम करने बैठेंगे तो आपको लगेगा अच्छा मैं तो गेट का एग्जाम दे रहा हूं जो एक्सपीरियंस है उनको लगेगा जो अनएक्सपीरियंस है जो पहली बार देने जा रहे हैं वो ये मान के चलो कि गेट का दे रहे हैं आप पहला टेस्ट देंगे 65 क्वेश्चन होंगे कुछ मिस्टेक आप करेंगे कुछ गलतियां होंगे उसको करेंगे और आप फील करेंगे CBT, ये टेस्ट है, और ये एक साथ बैठ के इसको लाइव दें पहला एम तो मेरा ये है ताकि आप लोगों के बीच में कंपटीशन का माहौल और रैंक बने तो आपको पता चले कि दूसरे टेस्ट में हमें उससे अच्छी मेहनत करनी है उससे बेटर प्रिपरेशन करनी है मैं, पहला मेरा एम ये है कि ऑल ओवर इंडिया गेट से पहले गेट का माहौल बनाना केमिकल वाले बच्चों के लिए जिससे कि अदर ब्रांच के बच्चे भी अदर ब्रांच के लोग भी हमसे सीखे और वो भी इसकी शुरुआत करें जिससे हर बच्चे को इसका फायदा मिले अब दूसरा हमारा एम क्या था आप एक टेस्ट दो टेस्ट तीन टेस्ट चार टेस्ट हर टेस्ट सेम डे और सेम टाइमिंग में दे रहे हैं संडे को ही ये टेस्ट हो रहा होगा संडे को ही आपका टेस्ट है आपका एग्जाम है गेट का टाइमिंग 9:30 थर्टी टू ट्वेल्व थर्टी होगी आपकी भी 9:30 थर्टी टू ट्वेल्व थर्टी होगी नौ बजे आप सिस्टम पे बैठ जाएंगे क्योंकि नौ बजे आपकी वहां पर भी, आ, सेंटर में भी एड, आ, एंट्री हो जाएगी सारे प्रोसीजर वही फॉलो कर रहे हैं आपके सामने इंस्ट्रक्शन वही होंगे गेट के जो आप गेट के पेपर में पढ़ने वाले हो एज इट इज सारे के सारे वही इंस्ट्रक्शन है आप जब क्लिक करेंगे रेडी टू मूव है ना तो उसमें भी वही ऑप्शन आ रहा होगा आई एम बिगिन टू स्टार्ट करके ऐसे कुछ ऑप्शन आता है तो वही सेम ऑप्शन वहां भी आ रहा होगा यहां पर जो आपको कैलकुलेटर मिलेगा सेम कैलकुलेटर वहां पर भी मिलेगा तो यहां कैलकुलेटर में आप चार टेस्ट में जो प्रैक्टिस करेंगे आपको की याद हो जाएंगी अच्छा ये रूट यहां होता है काउंटिंग यहां होती है ये फंक्शन यहां होते हैं स्विफ्ट यहां पर यूज करना है ये ऐसे करना है हमें डिग्री से रेडियन uh, में ऐसे कन्वर्ट करना है रेडियन को डिग्री में ऐसे कन्वर्ट करना है ई e की वैल्यू यहां है पाई की वैल्यू यहां है ये वैल्यू यहां है सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी और सबसे बड़ी बात जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वो करेंगे, वहाँ पर थीटा 10 की करेंगे, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है तो ये प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और मैंने आपको क्या बोला कि सारे बच्चे ट्राई करिएगा कि जो भी टेस्ट देंगे ये आप टेस्ट अपने कंप्यूटर से दीजिए पीसी में दीजिए चाहे आप ट्राई करिए कैफे में जाकर दीजिए मोबाइल में मत दीजिएगा और माउस का यूज करिएगा लेकिन ये माउस आपका ये ब्लूटूथ नहीं होना चाहिए वायर वाला होना चाहिए नहीं है तो खरीद के लाइए दो सौ रुपए का सस्ता से माउस जो सबसे सस्ता मिले मार्केट में पचास रुपए साठ रुपए सत्तर रुपए हर सिटी में एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होती है वहां पर लोकल सामान मिलता है लोकल खरीद लो सौ रुपए का तक का मिल जाएगा वो वायर वायर लगाइए उस वायर से आपको अपना कैलकुलेटर यूज करना है उसी वायर से आपको मूव करना है सबसे बड़ी बात बच्चे गलती यहां पर करते हैं कि जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आंसर टिक करते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट करना भूल जाते हैं और वो डायरेक्ट माउस से दूसरे क्वेश्चन में क्लिक कर देते हैं वो क्वेश्चन का आंसर आपका सेव नहीं हुआ होता और मोस्टली टाइम जो पहली बार बच्चा एग्जाम देने जाता है वो बच्चा कम से कम पांच छ क्वेश्चन में ये मिस्टेक कर आता है अरे एक साल तो एक बच्चे ने एक भी आ, आंसर सेव नहीं की और बाद में आके मुझसे रो रहा है सर मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था जब आंसर की रिलीज हुई तो सर एक भी आंसर वहां पर नहीं है मैंने पूछा कि सेव एंड नेक्स्ट किया था सर ये तो बताया ही नहीं गया था तो बेटा ये जो आप लोग होशियारी करते हो सर का सेशन ज्वाइन करेंगे मेरा एक घंटा बर्बाद हो जाएगा बेटा आपका वो एक घंटा आपको पूरे करियर भर याद रहेगा क्योंकि आपको वो चीजें मैं सिखा दूंगा जो आपने सोची भी नहीं होंगी वो आपको कहीं लिखी भी नहीं मिलेंगी वो आपको एक दिन पहले मैं पूरा का पूरा एक सेशन लूंगा आपको इंस्ट्रक्शन क्या क्या है वहां पर कैसे कैसे मूव करना है रिव्यू कैसे करना है सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है अगर मैं सारथी हूं आपका तो आप मेरे योद्धा हो लड़ाई आपको लड़नी है सपोर्ट मेरा होगा साथ मेरा होगा मैं बताऊंगा कब किसकी तरफ बाढ़ चलाना है मैं बताऊंगा किसके तरफ प्रहार करना है लेकिन निशाना आपका नहीं चूकना चाहिए लेकिन उस टाइम पे आप मेरी बात सुनने के लिए काबिल हो एबल हो सुन रहे हो ऐसा नहीं आप अपने ही चीजों में मदमस्त हो और आपको पता ही नहीं है क्या करना है तो ये सीबीटी केवल और केवल ये चार टेस्ट जो प्री गेट है और चार टेस्ट जो आपके कॉम्बिनेशन आप हैं, तो ये चार टेस्ट आपको ये फील करा देंगे कि अभी कितने गहरे पानी में हो और कितना रिवीजन करना है किस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है किस टॉपिक में हम वीक हैं उस टॉपिक का रिवीजन करना है ये रेक्टिफिकेशन का बेस्ट वे होगा ऑप्टिमाइजेशन का बेस्ट वे होगा अपनी गलतियों को सुधारने का एक बेस्ट तरीका होगा और अगर किसी को यह लगता है ना कि सर इसकी कॉस्ट आपने बहुत ज्यादा रख दी है नाइनटी नाइन रुपीज हमारी हालत नहीं है पे करने की तो बेटा मेरे पास मैसेज कर देना इतना लिख के कि सर पाऊंगा तो नहीं पे कर पा रहा हूं मेरी हिम्मत नहीं है मैं एबल नहीं हूं 99 नाइन रुपीज पे करने के लिए मैं फ्री एक्सेस दे दूंगा लेकिन रैंक लेके आना बेटा इसका कोई बड़ा इशू नहीं है ये 99 आप अगर एक हजार टेस्ट सीरीज भी अभी बिक जाती हैं तो इससे मैं कोई बहुत बड़ा आ, पैसे वाला नहीं बन जाऊंगा बट तो सिर्फ सिर्फ उस मैंने उसे बोला है कि भैया अभी हम लोग जस्ट इसलिए आपके साथ मूव कर रहे हैं कि हमें यह पता चले कि आपका प्लेटफॉर्म कैसा है।, ये ट्रायल के बेसिस पे हमने लिया है तो उस ट्रायल के बेसिस पे मैंने बोला है कि हम एक टेस्ट का नाइनटी नाइन आपको पे कर देंगे ठीक है तो ये हम लोगों को तीन घंटे हम उनका प्लेटफॉर्म यूज करेंगे उनके सारे फीचर्स यूज़ करेंगे तो है और ये चार टेस्ट आपके कम से कम ट्वेंटी मार्क्स बढ़ा देंगे गेट एग्जाम में बस इतनी सी चार टेस्ट आपके फिर इसके बाद मैंने आपको चार का कॉम्बिनेशन दिया है वो चार का कॉम्बिनेशन आप लोगों के गेट के पुराने पी क्यू के एक मिक्सअप टेस्ट होगा 65 क्वेश्चन का मैथ एफटी सब मिला के ऑल ब्रांच का होगा मैथ का होगा लेकिन उतना जो केमिकल के लिए इंपॉर्टेंट है जो अनइंपॉर्टेंट है या फिर हमारे सिलेबस में नहीं है वो नहीं पूछेंगे और पूरा कोर हमारे ब्रांच का होगा कुछ कोर के अदर क्वेश्चन एफएम एसटी थर्मो के क्वेश्चन वो अदर ब्रांच के भी इंक्लूड कर सकते हैं तो अब आप समझ लीजिएगा कि जो आपको यहां पर कॉम्बिनेशन मिलेगा उसमें आपको फाइट भी करनी पड़ेगी क्योंकि क्यों क्यों सारे क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं होंगे अदर ब्रांच के आप कहां पढ़ लेते हो तो फाइट भी करनी पड़ेगी लेकिन मैक्सिमम पढ़े हुए होंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा मार्क्स लेके आओगे तो अच्छा लगेगा और मेरा एम ये है कि हर बच्चे के यहां पर पचास से ज्यादा मार्क्स आए कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये टेस्ट आपके जनवरी के लास्ट वीक में रहेगा और फरवरी की स्टार्टिंग में आप कभी भी दे तो इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा सेकेंड एंड लास्ट थिंग इस टेस्ट की कि बेटा ये जो टेस्ट होंगे ठीक है जब आप ये टेस्ट देकर गेट एग्जाम में देने जाओगे और जैसे ही जाके आप अपने सिस्टम में बैठोगे तो बेटा जब आप गेट एग्जाम के सेंटर में पहुंचते हो ना तो धड़कने थोड़ी बड़ी हुई होती हैं और सबसे ज्यादा इशू उनको होता है जिन्होंने छह महीने एक साल तैयारी की होती है क्या होगा मेरा आज पेपर अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा और किसी ना किसी रीजन से कुछ बच्चों का दिमाग भी खराब हो जाता है ऑटो नहीं मिल रही लेट हो जा रहे हैं मेट्रो नहीं आ रही है ना या फिर कहीं ट्रैफिक ज्यादा है तो हम लोगों का दिमाग परेशान होने लगता है तो उस समय भी मतलब एक अजीब अजीब से ख्याल होने लगते हैं तो उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है आप ट्राई ये करेंगे कि सेंटर कम से कम दो घंटे पहले, पहले पहुंचने का ट्राई करिए और शॉर्ट नोट्स का कोई भी एक ऐसा पेज चार पांच फाड़ के ले जाना जो इस सीबीटी में आपने मिस्टेक की हो और इस सीबीटी के जो भी आपके एनालिसिस वाले पेज होंगे वो पेज वो कॉपी वो रफ ले जाइए और बाहर जब अंदर इंटर करिए तो किसी को दे दीजिए मिल जाएगा रिटर्न तो मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा तो नहीं मिल जाएगा पेज लेके जाइए फाड़ के फेंक दीजिए कुछ भी करिए डस्टबिन में डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इन सीबीटी और चार पीवाई क्योंकि जो आठ आ, फुल टेस्ट है इसके जो भी एनालिसिस का जो आपके पास डेटा होगा जो भी आपके पास फार्मूले होंगे वो आप लेके जाइएगा और उनको वहां दो घंटे पहले पहुंच जाते हैं तो रिविजन करिए आप आ, एंट्री करने के 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले रिवीजन बंद कर दीजिए जो भी आपके फ्रेंड वगैरह मिले आप केमिकल के बच्चे हो तो एक दूसरे को जानते हो नहीं भी जानते तो पूछ लो भाई केमिकल के हो क्या सर के स्टूडेंट हो गेट थीटी के पढ़े हो तो आपस जैसे, आप जैसे, आप नंबर, नंबर, आप जैसे आप डालेंगे वैसे जैसे ही स्क्रीन खुलेगी इंस, इंस्ट्रक्शन दिखेंगे आपको क्या लगेगा अच्छा यही तो हमारा पेपर था यही तो हमारा सीबीटी था आपको वहां पर पहले इंस्टेंट में देखते ही एक कॉन्फिडेंस आएगा ओके कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही था जैसे बिगिन टू स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपको दिखेगा कि ठीक हाँ, है है इसी टाइप के क्वेश्चन आते थे अब उसको कैसे टैकल करना है? ये जो सबसे बड़ा एक टेंशन होता है वो टेंशन आपको मैं रिलीज कर दूंगा इन एट टेस्ट से और जब आप वहां पर टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे तो जो पहली बार दे रहे होंगे उनको क्या लगेगा अच्छा ये सेम टू सेम है जो साइलेंसर ने टेस्ट दिए थे वही तो है ये जो गेट गेटी में मिले थे वही है अच्छा वैसे ही तो करना है हम करते चले जाएंगे और जो ऑलरेडी पहले दे चुके हैं उनको क्या फील होगा कौन सी बड़ी बात है ऐसे टेस्ट तो मैं भी पिछले मंथ में आठ बार दे चुका हूं एट टाइम्स ये टेस्ट दिया हूं अब फिर से दे रहा हूं तो कौन सी बड़ी बात है ठीक है निकल जाएगा ये जो फीलिंग होगी ना आपके दिमाग के सारे स्ट्रेस को ना दूर कर देगी थ्री इडियट आपने देखा है आमिर खान साहब क्या बोलते हैं आलिज्वेल आलिज्वेल बस ऐसे बोलो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ये आपको कॉन्फिडेंस देके जाएगा बिकॉज दिस इज ऑल इज वेल ठीक है तो बेटा रुपीज का है और मैं चाहता हूं स्टूडेंट इस स्टेज को एक साथ दें मैं बहुत बड़ा नंबर ले लिया हूं जो कि पॉसिबल नहीं है है ना लेकिन लेकिन हंड्रेड प्लस बच्चे तो अभी हो चुके हैं और मैं चाहता हूं आप लोग एफर्ट करें हर बच्चा अपने फ्रेंड सर्किल में इस लिंक को शेयर कर दो भैया आज पांच बजे तक ले लो सिर्फ नाइनटी नाइन और अगर नहीं लिया तो फिर हो जाएगा वन फोर्टी नाइन मैंने पहले 199 का सोचा था लेकिन अब 149 कर दिया कि ठीक है आप डिले की हो पचास रुपए तो फाइन बनता है लेकिन 149 कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है अच्छा अब आगे मूव करते हैं न ईयर का कोर्स जिसे लेना है आप अपने जूनियर्स को या लिंक शेयर कर सकते हो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो ओनली ट्वेंटी इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज कुछ पे करना होगा इसी तरह टू तो ईयर का थर्टी फोर था नाइन प्लस आ, कुछ नेट आ, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज पे करना होगा यह ऑफर आज शाम को पांच बजे तक ही है उसके बाद इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी चलिए मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की अगर कोई भी बच्चा थर्ड ईयर का है फाइनल ईयर का है ड्रॉपर है उसने अभी तैयारी स्टार्ट की है ना कोर्स ले रखा था लेकिन पढ़ नहीं पाया जॉब की वजह से टाइम नहीं दे पाया कॉलेज की वजह से टाइम नहीं दे पाया उसके कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे कोई भी इशू हो गया है और वो उतना फोकस नहीं कर पाया तो सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है एक जो पीपीटी यहां पर लानी थी उसकी जगह दूसरी स्लाइड गलती से आ गई खैर कोई बात नहीं मैं यहां पर आपको बता देता हूं तो आपको सबसे ज्यादा वो मैंने पूरा पाई चार्ट दिया था और वो मिस्टेक हो गई समझिएगा तो सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट चूज करने हैं वो क्या क्या हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम मैंने आपसे पूछा था कि गेट एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैं एक बार आपके कमेंट देख लू फिर इसके बाद आपको आगे बताता हूं आ, सर इस बार एट्टी नाइन बाई हंड्रेड ये एट्टी नाइन बाई हंड्रेड क्या आपके मार्क्स आ रहे हैं या टॉपर के मार्क्स होंगे क्या बता रहे हो भाई कैलकुलेटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी रैंक लाना एंड मार्क्स गेन करना ठीक है मुरारी एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट यस सर इसके पीडीएफ आप जो शेयर कर सर इसका पीडीएफ आप शेयर करना सर शेयर करना ठीक है कर दूंगा कर दूंगा बेटा ठीक है लेकिन कहां पर ऐप में ऐप में मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको कभी भी नीट पड़ेगी आप जाइए ऐप ओपन करिए वहां पर टॉपिक का नाम दिख जाएगा आप क्लिक करिए आपको दिख जाएगा ठीक है चलो ऐप में मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको कुछ भी आप मांगोगे ना मैं ऐप में प्रोवाइड कर दूंगा चलो लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन यस डियर देवर गया आपको वही अर्जुन बनना है जिसके सामने उसके कृष्ण भी उसको सलूट मारे या वही अर्जुन बनना है जिसके सामने दोनाचार भी ये बोले कि ये मेरे से भी बड़ा धनुर्धर है आपको वही अर्जुन बनना है जिसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हो आप लोगों को वो करके दिखाना है जो रियल में ये हमें फील करा दे कि नहीं यार ये बंदे में कुछ अलग था बस वही अर्जुन बनना है आपको ठीक है आप हमारे कृष्ण है हम आपके अर्जुन बिल्कुल बेटा सर ये वेबसाइट पे होगा टेस्ट बेटा वेबसाइट और ऐप दोनों में होगा अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल से देंगे तो आपका ऐप में ओपन होगा अगर आप आ, अपने मोबाइल से देना चाहें तो वेबसाइट में आप एप्पल फोन से देना चाहें तो आ, वेबसाइट में आप सिस्टम कंप्यूटर से देना चाहें तो ऐप में है ना ऐप के थ्रू आप करेंगे ज्यादा बेटर होगा ठीक है चलो सर, इस बार एमटेक के प्रीवियस कट कटअप भी डिस्कस कर देना बेटा गेट के बाद गेट के बाद अभी नहीं क्योंकि वो गेट के बाद अभी देखो मैं डिस्कस कर दूंगा ना तो आप लोग एक माइंड मेकअप कर लेते हो कि इतना होना चाहिए मैंने सोचा था लेकिन वो दोनों सेशन मैंने गेट के बाद इसलिए रख दिए कि अभी इंपॉर्टेंट नहीं हो उसके लिए आप मैक्सिमम गेन करने का ट्राई करिए कि मेरे इतने आने चाहिए जितने मैक्सिमम ला सको और फिर गेट के पेपर के बाद मैं बता दूंगा कि किस मार्क्स में क्या क्या आपको मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है आप लोगों ने बोला एक्यूरेसी नो डाउट एक्यूरेसी है कैलकुलेटर नो डाउट कैलकुलेटर है कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे तो क्या होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तीन का उस तीन में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आप एक्यूरेसी बहुत अच्छी कर रहे हो लेकिन क्वेश्चन 65 में 30 करके आए और 30 के 30 सही है 30 के 30 सही है एक्यूरेसी 100 परसेंट है लेकिन क्वेश्चन ही कम कर पाए तो बताओ उसका क्या बेनिफिट हुआ नहीं ना एक्यूरेसी नो डाउट इंपॉर्टेंट है बट मैक्सिमम क्वेश्चन गेन करने के साथ एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटर कैलकुलेटर नो डाउट इंपॉर्टेंट है लेकिन फार्मूला ही याद नहीं आया तो कैलकुलेटर का क्या कर लोगे कैलकुलेटर इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर फार्मूला याद नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा तो क्या कर लोगे और, और किसी ने कुछ आंसर किया था कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ठीक है मैं बताता हूं आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यह है तीन घंटे का गेम वो वन एट्टी मिनट उस तीन घंटे का आपका कंसंट्रेशन और वो कंसंट्रेशन वो कॉन्फिडेंस वो स्ट्रेस लेवल जो होगा वो तभी आप रिलीज कर सकते हैं जब आप कुछ पढ़ के जाएंगे जब आप मैक्सिमम सब्जेक्ट को रिवाइज करके जाएंगे अगर आपके मन में एक चीज यही आती रही मेरे तो सब्जेक्ट ही नहीं कंप्लीट है मेरे तो मार्क्स ही नहीं आते हैं आप पहले से ही निगेटिव हो गए ना तो बेटा जो मैं एक कहावत है ना मन की हारे हार है मन की जीते जीत अगर आप खुद अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेंगे तो बेटा आपको जिताने वाला कोई नहीं है मैं तो क्या भगवान भी उतारा है ना तो आपको जिता नहीं सकते कोशिश तब तक करनी चाहिए जब तक कि हम लास्ट मिनट को फेस ना कर ले आप गेट एग्जाम में तब तक फाइट करेंगे जब तक आपका 179 मिनट भी कंप्लीट हो जाएगा ना तो लास्ट मिनट भी आपका उतना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन में क्लिक करके सेव कर देंगे ना तो आपका एक नंबर दो नंबर बढ़ जाएगा तो दो नंबर आपको आईआईटी रुड़की से आईआईटी रुड़की से डायरेक्ट आपको आईआईटी कानपुर पहुंचा सकता है और आई कानपुर से आई बॉम्बे आईटी बॉम्बे से पीएसयू एक मेरे स्टूडेंट का इस बार पॉइंट थ्री थ्री मार्क्स से आईओसीएल में सिलेक्शन रुका है पॉइंट थ्री थ्री मार्क्स से सोचिए जरा उसके दिल पे क्या बीत रही होगी कि एक क्वेश्चन मेरा और सही हो जाता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता एक क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ होता तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाता सिर्फ पॉइंट थ्री थ्री मार्क्स से उसका सिलेक्शन रुका है इसलिए मैं बोलता हूं एक्यूरेसी नो डाउट इंपॉर्टेंट है हर चीज इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटर नो डाउट इंपॉर्टेंट है आपका कैलकुलेशन फास्ट कैलकुलेशन टाइमिंग मैनेजमेंट सब कुछ इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को यह कंसिडर कर लेना कि हम लड़ेंगे फाइट करेंगे आखिरी मिनट तक लड़ेंगे कंसंट्रेशन बना के रखेंगे और तीन घंटे को बेस्ट वे में यूटिलाइज करेंगे चाहे जो हो जाए तो उस तीन घंटे को बेस्ट वे में यूटिलाइज करने के लिए खुद को कॉन्फिडेंस आना चाहिए और उसके लिए आप इतना तो तैयार करके जाइए जिसमें आपको यह कॉन्फिडेंस हो कि कुछ भी हो जाए यार पेपर कैसा भी आ जाए मैं कटाफ तो क्वालिफाई कर लूंगा और उसके लिए आपको सबसे पहले एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके पूरे गेट एग्जाम का वन फोर्थ से ज्यादा मार्क्स ज्यादा वेटेज कवर करते हैं इसका जो वेटेज होता है बेटा फिक्स होता है फिफ्टीन मार्क्स और इसका जो वेटेज होता है वो फिक्स होता है थर्टीन मार्क्स और इन दोनों के जो सिलेबस हैं उनका कोई लिमिटेशन नहीं है ये अथाह है इनकी प्रैक्टिस अथाह इनफाइनाइट है इन एप्टीट्यूड का कोई सिलेबस नहीं है कुछ भी पूछे तो मैं इसमें यह नहीं बोलूंगा बेटा क्या पढ़ लो क्या कर लो मैं आपको यह बोलूंगा बस अब हो गया टाइम एप्टीट्यूड के लिए अब डेली डेली टेन क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं डेली टेन क्वेश्चन आपको सॉल्व करने अभी से नहीं कर सकते चार दिन का और टाइम दे दो भैया फिफ्टीन दिसंबर से कर लेना तो अभी आप कम से कम फोर्टी फाइव डेज कर लोगे

और आप लोग बोलोगे तो भाई मैं आप ऑलरेडी एक पीडीएफ दे चुका हूं फिर भी बोलोगे तो मैं कुछ ऐसा प्लान कर लूंगा कि डेली आपको टेन क्वेश्चन मिलते रहे ठीक है मैं कुछ ऐसा भी प्लान आपको कर लूंगा तो ये टेन क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करिए और इन टेन क्वेश्चन के लिए आप डेली वन आवर का टाइम दीजिए अगर वन आवर के पहले आप कर लेते हैं ठीक है तो आप प्रीवियस डे जो आपने क्वेश्चन किए होंगे उसमें जो मिस्टेक हुई होगी उसको रिपीट करेंगे तो सर डेली एक घंटे एक घंटे बेटा दस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं देना लेकिन स्टार्टिंग में आपको एक घंटे फिफ्टी मिनट फोर्टी फाइव मिनट लगेगा तो जितना भी लगे तो आप डेली पहले ये क्वेश्चन निपटाइए जो लास्ट डे कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे उनको रिवीजन मारिए उसके लास्ट डे जो क्वेश्चन गलत हुए थे उनको रिवीजन मारिए आपको अपने प्रीवियस डे के कम से कम दो ज्यादा ज्यादा तीन है ना इन डेज में जो भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए थे उनको उनका रिवीजन और टेन न्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है ऐसा करना स्टार्ट करिए मैं यकीन से कहता हूं आप कम से कम यहां पर टेन प्लस मार्क्स गेन कर पाएंगे कोई बच्चा यूपी बोर्ड का है कोई पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड का है उसका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है तो वर्बल पोर्शन को अटेम करने की नीड नहीं है अगर आपको वर्बल में कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश वाला पैराग्राफ है छोड़ दीजिए पंचुएशन तो वाला पोर्शन आप छोड़ दीजिए देखिए मत और ना अभी देखिए अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना इंग्लिश में अगर आपको वर्बल एप्टीट्यूड में कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको अटेम्प मत करिए छोड़ दीजिए बाकी लगभग टेन टू ट्वेल्व मार्क्स 10, कभी टेन कभी इलेवन कभी ट्वेल्व मार्क्स का जो वर्बल है कभी थ्री कभी फोर मार्क्स का पूछा जाता है मैक्सिमम पूछा जाएगा तो फाइव मार्क्स का तो टेन मार्क्स का बाकी रीजनिंग एप्टीट्यूड ये सब रहता है तो आप बाकी कवर करने का ट्राई करिए और वहां से मैक्सिमम गेन करिए मैं प्लान कर रहा हूं कि एट प्लस मार्क्स आपके आए लेकिन अगर आप कुछ सेवन से टेन मार्क्स के बीच में कुछ भी आ जाते हैं तो यह बहुत अच्छा है लास्ट में एक डेढ़ महीने पढ़ के अगर दस नंबर भी ले आते हो ना ये बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स को स्टार्ट करिए थर्टीन मार्क्स की मैथमेटिक्स आती है मैं भी टॉपिक बताऊंगा कौन कौन टॉपिक जरूर करके जाइए और सारे बच्चे एक बार कम से कम केमिकल इंजीनियरिंग के पी वाइक्यू कर लीजिए एटलीस्ट ट्वेंटी इयर्स के और अगर आपके पास टाइम है तो आप ट्राई करिए कि मैकेनिकल एंड सिविल के लास्ट टेन ईयर के पीवाई और कर लीजिए इतना तो मिनिमम करके जाइए अदरवाइज अगर आप लोगों ने मेरे स्पेशल क्लास के सारे सेशन किए तो बहुत अच्छा है किसी बच्चे को अगर डाउट है प्रोबेबिलिटी सर नहीं आ रही सर वेक्टर के क्वेश्चन ग्रीन थ्योरम थ्योरम ये सारी चीजें हमसे अप्लाई नहीं हो पा रही या सर जो कॉम्प्लेक्स की थे वो अप्लाई नहीं हो पा रही हालांकि कॉम्प्लेक्स की थ्योरम अब हमारे सिलेबस में नहीं है ठीक है तो अगर किसी को भी ये डाउट है ना तो आप मेरे स्पेशल क्लास का लिंक मुझसे मांग लीजिए मैथमेटिक्स का मैं आपको दे दूंगा मैं यहां पिन नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे प्रीवियस प्लेटफॉर्म का है तो मैं यहां पर पिन नहीं कर सकता पता चले कल मेरे ऊपर केस हो गया लेकिन आप मुझसे पर्सनली मांगिये ग्रुप में मांगिये मैं शेयर कर दूंगा और वहां से आप मेरे स्पेशल क्लास में जाइए मैथमेटिक्स की गूगल सीट में जो टॉपिक आपको वीक लग रहा हो उस टॉपिक के क्वेश्चन कर लीजिए प्रोबेबिलिटी के मुझे लगता है दस पंद्रह क्लासे मैंने कराई है हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा सारे क्वेश्चन करने के बाद इसी तरीके से अगर आप मेरे प्लस के कोर्स से मैथमेटिक्स किए हैं तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस होगा नहीं किए तो एक बार ट्राई कर लीजिए प्रैक्टिस सेशन से और अगर आप कर चुके हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ टाइम मत लॉस करिए वीडियो देखकर आप खुद से ट्राई करिए और इनको अटेम्प्ट करिए डेली डेली आप लोगों को कम से कम

यहां से थर्टीन में बेटा मैथमेटिक्स इतना आसान पूछा जाता है जितना भी पूछा जाएगा एक क्वेश्चन को होता है बाकी केमिकल इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चन आसान होते हैं तो आप इजली एलेवन ट्वेल्व मार्क्स गेन कर सकते हैं बहुत बार बच्चों के थर्टीन भी आते हैं लेकिन मैं फिर भी इसमें यह मान के चल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ टेन मार्क्स ले आइए और अगर कुछ गलती हो जाती है फार्मूला भूल जाते हैं तो एट टू टेन की रेंज में ले आइए चलेगा तीसरा सब्जेक्ट मैं आपसे ले रहा हूं सबसे केमिकल इंजीनियरिंग का ईजीएस्ट सब्जेक्ट और इजिएस्ट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे लिए तो ईजी है तो मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए भी ईजी होगा तो अगर आप ये मैं अभी टॉपिक भी बताऊंगा वेट करना तो अगर आप सियारी के साथ मूव करते हैं तो सियारी का जो एवरेज रहता है वो रहता है बेटा 11 से 13 मार्क्स ऑन एवरेज 12 मार्क्स के आसपास पहुंची जाती है बट 10 की भी हो सकती है 14 15 भी हो सकता है ऐसी बंगलौर है मेरे हिसाब से तो कम से कम 10 से 12 नंबर की सियारी देगा कौन कौन से टॉपिक से देगा मैं सब अभी बताऊंगा ठीक है तो जब आप इसके साथ मूव करें तो मैं चाहता हूं कि इसमें आप कम से कम 2000 से लेकर 2023 तक के सारे के सारे -क्यू एक बार कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो आप ट्राई करिए नाइन्टीज के सीरीज के भी एक बार करने का मेरी ए टू जेड पीवा करने का ट्राई कर लीजिए लेकिन ट्राई करिए करने का अगर ये आपका हो गया तो आप यह मान के चलिए बस मस्त है फिर में आप मैक्सिमम गेन कर पाएंगे आप किसी को मेरे स्पेशल क्लास के प्रैक्टिस सेशन ना जो भी मैंने कराए वो करने की नीड नहीं असाइनमेंट करने की नीड नहीं है क्योंकि उतना टाइम नहीं है आपके पास बस इतना करिए और टेस्ट सीरीज दीजिए और अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो इतना भी करने के बाद मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप टेन मार्क्स ट्वेल्व में ला सकते हैं बट गिरी कंडीशन भी होगी तो भी आप एट टू टेन मार्क्स ला सकते हैं फिर इसके बाद कई बच्चे होते हैं जिनको मास ट्रांसफर टफ लगता है अगर आपने पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं किया तो मास ट्रांसफर टफ लगता है कई बच्चे मास ट्रांसफर स्टार्ट करते हैं इतना बड़ा कोर्स होता है कि बीच में छोड़ देते हैं कई बच्चे स्टार्ट करते हैं लेकिन उनका कभी फिनिश ही नहीं होता बेटा जितने टॉपिक तैयार है मैं अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूं वो तैयार कर लो नहीं तो कोई बात नहीं अगर आपको तैयार है तो एमटी के साथ मूव करिए नहीं तैयार है तो आपके जो भी सब्जेक्ट इजिएस्ट वे में आपको लगता है कि ये मेरे अच्छे हैं आप उनके साथ मूव करिए हीट ट्रांसफर है फ्लूड मैकेनिक्स है थर्मो है आईपीसी है या अदर सब्जेक्ट है तो कम से कम इन चार में से मैं कौन कौन से बोल रहा हूं एम टी एस टी एफ एम थर्मो इन चार में से कम से कम एक या दो सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो एक साल से तैयारी कर रहे हैं उनके तो भैया चारों सब्जेक्ट होने चाहिए सीधी सी बात जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके भी इन चार में से कम से कम कम से कम आप लोगों के दो सब्जेक्ट हो जाए तो अच्छा है नहीं एक तो कर ही सकते हो अभी भी स्टार्ट करके फुल कोर्स किसी का नहीं करना कंप्रेंसिव कोर्स किसी का नहीं करना क्रैश कोर्स के फॉर्म में किसी से शॉर्ट नोट्स मिल जाए किसी का रैपिड कोर्स हो क्रैश कोर्स हो फार्मूला रिविजन सेशन हो वहां से आप कर लीजिए और वहां से करके कम से कम एक सब्जेक्ट आना जो ती, दो कर ले तीन कर ले चार कर लें और बेटर है बस इसमें आपको क्या करना है वैसे तो इन चारों सब्जेक्ट का अगर मैं वेटेज देखूं तो लगभग लगभग थर्टी फोर से थर्टी एट मार्क्स तक का रहता है इन चारों सब्जेक्ट का वेटेज ठीक है तो इन चारों सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम गेन करने का ट्राई करिए कि थर्टी फाइव आ जाए थर्टी तो आ ही जाए बट मैं कह रहा हूं कि आप कुछ नहीं टू थाउजेंड से लेकर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक के पी वाई आप सॉल्व कर लीजिए उतना सफिशियंट है और यहां से कम से कम अगर एक सब्जेक्ट भी तैयार कर रहे हो और दूसरा सब्जेक्ट थोड़ा सा भी तैयार हो जा रहा है तो आप ट्राई करिए कि मिनिमम टेन और मैक्सिमम जितने आ जाए यार थर्टी फाइव आ जाए थर्टी सिक्स आ जाए थर्टी एट पूछा जाए थर्टी एट आ जाए है ना लेकिन मैं फिर भी कम से कम अगर तो 10 से बेटा ट्वेंटी कर ही सकते हैं ना इतना ट्राई कर सकते हैं और मैं वर्स्ट कंडीशन मान के चल रहा हूं वर्स्ट तब भी आप बेटा दस से लेकर बीस के बीच में नंबर तो ला ही सकते हैं ना चार में से बीस नंबर इतना तो ला ही सकते हैं ना तो आप ट्राई करिए इतना लाने का ठीक है फिर इसके बाद इतने मेजर सब्जेक्ट हो गए फिर आप थोड़ा सा पीडी थोड़ा पीसी में सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं वो वो तैयार करिए आप यहां पर भी देखेंगे ठीक है तो आपके ये मिनिमम थर्टी थ्री से लेकर फिफ्टी के बीच में हो गए मतलब गेट क्वालिफाई एक दो नंबर तो और कही न, कहीं ना कहीं से लेकर आओगे ना कहीं पीसी से कहीं पीडी से कहीं सी से कहीं एमओ से है ना तो आपका गेट क्वालिफाई हो गया चार सब्जेक्ट तो ये हो गए इनमें कम से कम दो रखिएगा तो पांच ये हो गए और इसके बाद एक आध छोटे सब्जेक्ट अगर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड अगर किसी ने पीसी का कंप्लीट कोर्स नहीं किया तो पीसी के मैं सिर्फ चार पांच टॉपिक बताऊंगा और दिसंबर के एंड में लास्ट वीक में मैं पीसी के चार या पांच सेशन लूंगा उन चार पांच सेशन में मैं आपको कुछ पी क्यू -कु सॉल्व कराऊंगा कुछ आपको टॉपिक के कॉन्सेप्ट बताऊंगा अगर उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ गया तो वेल एंड गुड नहीं आ गया तो, तो पीसी का लेकिन के बहुत आते हैं। आप देखिए आपसे दो से तीन मिनट मैक्सिमम चार मिनट में सॉल्व हो रहा है तो अटेंट करिए नहीं गेट एग्जाम में उस को छोड़ दीजिए पहले बाकी अटैम्प्ट करिए अटेंट करिएगा क्योंकि पीसी का क्वेश्चन हमेशा फंसाते हैं और लेंदी आते हैं लेकिन पीसी पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है पूरी केमिकल इंजीनियरिंग का बेसिक पीसी है पीसी नहीं आता हुआ तो बाकी सब्जेक्ट बड़ा टफ हो जाते हैं कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट वो थोड़ा सा इशू आता है तो पीसी इंपॉर्टेंट है लेकिन गेट एग्जाम में पीसी के क्वेश्चन तभी करना है जब आपको लगे कि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है आप लास्ट में फ्री बैठे हैं वो क्वेश्चन कर लेते हैं या आपको लगे कि दो से तीन मिनट में सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा तो करिए नहीं तो मत करिएगा पीडी आसान होता है उसके दो तीन टॉपिक में अभी बता रहा हूं वो पढ़ लेना वहां से एक आध क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे आपका निकल जाएगा सीटी सुमित सर ने रैपिड कोर्स कराया है और एमओ सुमित सर ने रैपिड कोर्स कराया है वो दोनों रैपिड कोर्स कर लीजिए वहां से आपके मार्क्स आ जाएंगे इन दोनों सब्जेक्ट से तो आप कम से कम 50 प्लस मार्क्स लाने के एबल हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस लास्ट के 50 डेज में इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी का कोई सब्जेक्ट छूट गया आठ कर लिए सर चार सब्जेक्ट छूट गए दस कर लिए सर दो छूट गए तो उनके केस में जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं वो करिएगा वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बता रहा हूं वो एक ब्रॉड लेवल पर है लेकिन आप उनको ऑप्टिमाइज करके करिएगा ठीक है कैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं सबसे पहले हम आ जाते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अब लीनियर एल्जेब्रा की बात करें तो यहां पर तो आपको तीन पॉइंट दिख रहे हैं कि भैया बेसिक प्रॉपर्टीज रैंक ऑफ मैट्रिक्स होमोजीनियस इक्वेशन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर सर यही तो पूरा हमारा सिलेबस है लेकिन ये जब हम लोग पढ़ाते हैं ना तो लगभग लगभग 20 से 25 आवर्स का नीड होता है हम लोगों को इतना टॉपिक पढ़ाने में तो आपको उतना डीप में नहीं जाना लेकिन इनके बेसिक बेसिक पता होना चाहिए प्रॉपर्टी जितनी भी मैट्रिक्स होते हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स का एक मेथड होता है जो मैंने आप लोगों को बताया है चाहे आप एक्लॉन फॉर्म से चाहे मैट्रिक्स डिटर्मिनेशन से आप किसी भी तरीके से कर लीजिए ठीक है वो आपको

चाहे कोई भी टॉपिक से आ जाए तो ये मैट्रिक्स का इतना कर लेंगे ना तो आपको इसमें टाइम नहीं देना ज्यादा से ज्यादा आपको तीन घंटे में ये पूरा फिनिश कर देना है फिर इसके बाद हम आते हैं कैलकुलस लिमिट ठीक है फिर वो डिसकॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी और ये सारा पार्ट है ये सब छोड़ देना है ठीक है आपको लिमिट के फॉर्मूले और लिमिट के कुछ प्रॉपर्टीज वो याद रखनी है मैंने लिखाई है जो सीरीज एक्सपेंशन में आप तो एक फार्मूला याद कर लीजिए एक टेलर का एक मैक्लोरिन का ठीक है इसके अलावा कुछ जो बेसिक फंक्शन है उन फंक्शन के आप जैसे e टू दावर एक्स x, ln x, log x है ना और sin x या sin इनवर्स x ठीक है कुछ ऐसे वन प्लस एक्स टू दावर एन वन प्लस एक्स टू दावर माइनस वन ठीक है कुछ इस टाइप से इन सीरीज के फॉर्मूले याद कर लीजिए डायरेक्ट हो सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट ठीक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इंटीग्रेशन में डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी में बेटा कुछ भी आ सकता है बट मैक्सिमम चांस जो होते हैं वो बाइनोमियल आने के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं

वीक लग रहा है ना तो मेरे स्पेशल क्लास में जाके जितने भी प्रोबेबिलिटी के सेशन है वो देख लीजिए गजब लेवल का कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा फिर अगर मैं यहां से बात करूं आप लोगों से डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऑर्डर इंड डिग्री ठीक है ये वाला आप देख लीजिएगा क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक इक्वेशन दे देगा इसका ऑर्डर बताओ डिग्री बताओ ये वाले देख लेना और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना यह भी मैंने स्पेशल क्लास में सोल्व कराया है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आप देख लेना ये बहुत पूछा जाता है सी एफ पी आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दीजिए क्या है ठीक है लेकिन कुछ और भी कॉन्सेप्ट है होमोजीनियस इक्वेशन वाला ठीक है या फिर एग्जैक्ट इक्वेशन वाला ठीक है तो ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप देख लेना वेरिएबल सेपरेबल का बहुत ज्यादा आता है लेकिन वो इतना इजी होता है इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हम मानते ये तो हमारे खून में हमारे ब्लड में मिक्सअप है वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है एक्स वाले को एक साइड वाई वाले को एक साइड दोनों को इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दीजिए एक कॉन्टेंट कॉन्स्टेंट आएगा और इसके बाद अगर लिमिट दी हुई है कोई बाउंड्री कंडीशन दी है पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए नहीं सी के फॉर्म में आंसर आ जाएगा चारों ऑप्शन में मैच कर लीजिए कौन मैच कर रहा है कैसे रीअरेंज करना है अरेंज करके आप उसका आंसर कर दीजिए तो ये तो हमें पता होता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो हमारा न्यूमेरिकल मेथड है न्यूमेरिकल मेथड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूटन मेथड है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है और इसके अलावा फिर आपका एक आ, बाई सेक्शन मैथड मैंने यहां पर शायद नहीं लिखा बाई सेक्शन तो बाई सेक्शन मैथड ठीक है इसके अलावा ट्रेपेजॉय रूल है सिमसन वन थर्ड थर्ड एट है इनको भी देख लेंगे वैसे चांसेस कम रहते हैं सेकेंड मैथड और जो अदर आर के मैथड है ठीक है बट रट के जाइए क्योंकि एक क्वेश्चन से आता है तो आर के है सेकंड और्डर, फोर्थ और्डर, फोर्थ और्डर है है तो नहीं फिर भी उसका भी उसका पढ़ लेना ठीक का वन थार्ड, थार्ड एड दोनों का फिर इसके अलावा जो आपका ये बाई, आ, बाई है है इनके फार्मूले तो सबके पूरे के पढ़ के जाने लैपलास्ट ट्रांसफॉर्म में आप जितना आईपीसी में पढ़ते उतना सफिशियंट है बस थोड़ा सा ट्राई करिएगा कि आप ये जो आपका Uh, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं इनवर्स के वो आपको याद होने चाहिए ठीक है uh, और कुछ बेसिक जो फंक्शन होते हैं वो लेप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन की याद हो उतने से काम चल जाएगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में अब हमारा बहुत डिटेल में नहीं है सिर्फ बेसिक चीजें हैं थेरम्स हमारे से हट गए हैं जो कौची इंटरग्रल थेरम और ये सारी थेरम होती थी वो अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उसकी नीड नहीं है सिर्फ बेसिक बेसिक कॉम्प्लेक्स में पढ़ लीजिए उतना सफिशियंट रहेगा चलिए अगर मैं अब बात करूं आप लोगों से सीआरई में सीआरई में बेटा अब हमने बोल तो दिया बेसिक सिया बेसिक सिया तो बहुत बड़ा है तो इसमें क्या जितना मैंने लिक्वॉम में अभी तक दिया है वो पूरा आपको तैयार कर लेना उतने से बेसिक सियाारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी आपको बेसिक काइनेटिक्स सीवीआरएस वीवीआरएस है ना ये काइनेटिक्स का पार्ट है बट फिर भी मैं इसमें बेसिक में बोल रहा हूं आपको सबसे इंपॉर्टेंट कोलिजन थ्योरी थ्योरी ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्जन कंसंट्रेशन ठीक है क्या होता है सीवीआरएस क्या होता है वीवीआरएस क्या होता है कंसंट्रेशन क्या होता है कंपोजिशन कैसे हम लोग रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं सुडो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है है रेट 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 को कैसे 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 मेजर करते हैं 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 रिएक्शन लिखते लिखते इक्वेशन ठीक किस तरह से हम लोग रेट को समराइज करते हैं हमारा एक दूसरे का रेट दूसरे रेट पे कैसे मेंशन करते हैं बस ये बेसिक चीजें आप लोगों को तैयार करनी है काइनेटिक्स बेसिक काइनेटिक्स तो आप लोगों को आती है लेकिन इस बार जो मेरा दिल कह रहा है कि मल्टीपल रिएक्शन सिस्टम की कोई काइनेटिक्स या उससे ग्राफ पूछा जाएगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अलावा आप सीरीज रिएक्शन देख लीजिएगा वो है इन दोनों से आने के सबसे ज्यादा चांस है ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन से लास्ट ईयर पूछा गया तो इस बार शायद ना पूछा जाए और इसके अलावा आपका पैरल रिएक्शन थोड़ा इजी रहता है तो चांस कम है लेकिन सबसे ज्यादा चांस है रिवर्सिबल रिएक्शन के और सीरीज रिएक्शन के देन इसके बाद हम बात करें सी एस टी आर पी एफ आर कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टर तो इनके फार्मूले तो बेटा आप सीआर -E की बात कर रहे हो और अगर ये नहीं आता तो फिर सब तो बेकार हो गया ना तो सी एस टी आर पी एफ आर कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टर का एक क्वेश्चन आता आता है अब उसमें थेरी को इंक्लूड कर देगा कोई और हीट इफेक्ट को इंक्लूड कर देगा कुछ भी ऐसे इंक्लूड कर सकता है नॉन आइडियल का इंपॉर्टेंट है नॉन आइडियल से आर टी डी का एक क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर कोई कर्व देकर वहां से आपको टी बार आर टी डी पूछ लेगा या फिर नंबर ऑफ रिएक्टर पूछ लेगा टैंक इन सीरीज मॉडल सेग्रीगेशन मॉडल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट कई ईयर से इनसे क्वेश्चन पक्का आता है है ना एक, दो क्वेश्चन एक, दो, दो तक आ जाते हैं कभी कभी तीन क्वेश्चन तक पूछ लिए गए हैं तो ये जितना भी नॉन आइडियल पार्ट है ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका बेसिक सियारी -E और सियारी uh, वन -E वाला पार्ट इंपोर्टेंट है तो यहां से एक दो क्वेश्चन आएंगे यहां से एक दो क्वेश्चन आएंगे हीट इफेक्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको पढ़ के जाइएगा या तो इससे पूछ लेगा, एक जो होगा होगी, की कितनी होगी वो चीजें आपसे पूछ लेगा तो ये आप देख के जाइएगा तो मैंने बोला कि एक क्वेश्चन आपका बेसिक सीआर से आएगा एक क्वेश्चन काइनेटिक्स का आएगा मल्टीपल रिएक्शन सिस्टम का एक क्वेश्चन आपका रिएक्टर से आएगा एक क्वेश्चन आपका नॉन आइडियल से आएगा एक क्वेश्चन आपका हीट इफेक्ट से आएगा और एक क्वेश्चन आपका हेट्रोजीनियस न्यू सिलेबस से होगा मैंने आपको सिक्स क्वेश्चन बोले ठीक है अगर मैं इसको अलग से इंक्लूड कर लू तो सेवन क्वेश्चन -E में बेटा मिनिमम सेवन क्वेश्चन आते ही आते हैं मिनिमम सेवन आते आते हैं एट नाइन भी हो सकते हैं लेकिन सेवन क्वेश्चन सियारी में मिनिमम आएंगे आएंगे तो न्यू सिलेबस वाला जो आने का चांस है वो एक नंबर का आने का चांस है लेकिन मे भी अब दो नंबर का भी आ जाए तो सात क्वेश्चन ये आएंगे आएंगे इतना आपको तैयार करके जाना है और इतना तैयार कर लिया सियारी में पूरे मार्क्स आपके आ जाएंगे अगर मैं बात करूं कुछ पर्टिकुलर ईयर के जो ईयर के क्वेश्चन पेपर मुझे अच्छे लगते हैं जिन ईयर का मैं मानता हूं कि यार ये पेपर अच्छा आया था उनमें से मैं बात करूं मैंने ईयर इसलिए मेंशन नहीं किया कि अगर ईयर में दो तो बच्चे ये ये सोचते कि अरे यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कल नहीं किया। मैंने जस्ट इतना बेहतरीन पेपर लगते हैं उन तीन साल में ये टॉपिक पूछे गए सॉलिड कैटेलिटिक रिएक्शन का क्वेश्चन और हेट्रोजीनियक्शन इतना क्वेश्चन पूछा गया जो दूसरा है एक में काइनेटिक्स रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन एडियाबैटिक रिएक्टर सी एस टी रिएक्शन कुछ कंबाइंड दिखा क्या आपको काइनेटिक्स रिवर्सिबल ठीक है टी रिएक्शन सी एस टी आर हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस कुछ कंबाइंड दिखा ठीक है यहां पर सीएसटीआर पी एफ आर दोनों में था डिस्पर्जन नंबर काइनेटिक्स दोनों में था एलिडियल ये हेट्रोजीनियस वाला पार्ट टैंक इन सीरीज मॉडल भैया कुछ अलग नहीं है बस फार्मूले वही होंगे कॉन्सेप्ट वही होंगे लैंग्वेज बदल जाएगी क्वेश्चन बदल जाएगा तरीका बदल जाएगा कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देंगे बस वही सब रहता है तो बस सियारी में ये इंपॉर्टेंट है याद रखेगा सेकंड अगर हम आ जाते हैं हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में मैं एक बार आप लोगों के कमेंट देख लेता हूं बेटा सर एक आ, सर टेस्ट का लिंक ग्रुप में भेजोगे बेटा टेस्ट का लिंक का मैं ऑलरेडी हर जगह शेयर कर चुका हूं आप लोग चेक नहीं करते हैं चलो आज मैं एक बार फिर से शेयर कर दूंगा यह सेशन एंड होते ही मैं आप सभी लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा इसी चैनल के कम्यूटी पोस्ट में जाइए कमिटी में जाइए वहां पर ऑलरेडी सारे चीजों के लिंक मैं ऑलरेडी पोस्ट कर देता हूं ठीक है मतलब टीम को बोल देता हूं वो लोग करते रहते हैं उनको इंस्ट्रक्शन यही है उनको सैलरी इसी बात की दी जाती है कि YouTube को ऐप को कॉन्टिन्यूसली आप अपडेट करके रखिए उनका काम यही है बेटा है ना तो ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है सर फार्मूला हो याद नहीं रहता हाँ इसके लिए मैं सेशन के एंड में आपको बताता हूं आपको क्या करना है सर एप्टीट्यूड का सिलेबस बहुत ज़्यादा है मैंने बोला ही नहीं सिलेबस करने को मैंने तो बोला सिर्फ पीवाई क्यू करने को 2010 से लेके 2023 तक के कम से कम चार पांच ब्रांच के पी वाई कर डालो सर पीसी के लिए पी क्यू बचे हैं PC के PYQ बचे हैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर लो अगर टाइम है तो पूरे आप एक बार करने का ट्राई करो नहीं है उसमें सिर्फ और सिर्फ पच्चीस बच्चा लाइव है तो बेटा बताओ कैसे हिम्मत बनेगी कि मैं डेली नए नए क्वेश्चन डिजाइन करूं मैंने क्या जो गेट एक्सपेक्टेड सीरीज के लिए क्वेश्चन डिजाइन किए थे उन क्वेश्चंस को मैं यूज कर ले रहा हूं आपके प्री गेट टेस्ट सीरीज में मैं बना के रखता हूं सारी चीजें लेकिन अब आप लोगों का रिस्पांस नहीं आएगा तो बताओ कैसे करेंगे मैं पता चला गेट एक्सपेक्टेड सीरीज स्टार्ट किया पहले दिन 50 लाइव अगले दिन सीधे 25 तीसरे दिन 15 चौथे दिन 10 अब मैं पढ़ा रहा हूं पांच बच्चा छह बच्चा दस बच्चा लाइव है अब अगर इतना ही बच्चा लाइव आएगा तो पांच छह बच्चों के लिए मैं दो-दो घंटे -दो का सेशन लूं है ना उस सेशन लेने के लिए मैं दो घंटे पीपीटी बनाऊं क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कितनी भी बनाता हूं अब मैं वो पीपीटी बनाऊं मैं वो क्वेश्चन डिजाइन करूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी कोई और डिजाइन कर देगा उसको इतना आइडिया होता तो वो टीम में काम क्यों कर रहा होता सीधी सी बात है ना तो एक चीज समझ लीजिए कि वो एक्सपीरियंस जो है ना वो मेरे ही इंक्लूड होने से आएगा मेरे ही इन्वॉल्व होने से मैं वो चीजें आपको दे पाऊंगा तो मैं इतनी मेहनत करूं और आप लोगों का रिस्पॉन्स आइडिया भी है सीरीज का एक का एक सेशन पी पीपीटी बनाने में पांच घंटे के आसपास का टाइम लगता है फाइव आवर्स का और इसके बाद अब उसमें अभी जो तीसरा ल्यूक्वाम सीरीज का सेशन दिया था उसमें चार सौ व्यूज नहीं पहुंचे अभी चार सौ व्यूज तीन सौ बहत्तर तीन सौ अस्सी के आसपास है अब मैं कैसे अगला सेशन आप लोगों को लाइव कर दू तो बेटा यहां भी पेन होता है आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं दोगे आप रिस्पॉन्स दो मेरी तरफ से हर चीज फ्री है मैंने क्या इसका कोई पैसा लिया है क्या कि ल्यूकॉम सीरीज में तब दूंगा इसकी पीपीटी तब शेयर करूंगा जब आप मेरे अकाउंट में हजार रुपए ट्रांसफर करोगे मैंने कभी बोला क्या नहीं ना मैं तो वो बंदा हूं यार जो हर चीज आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूं आप एक मैसेज करते हो आपको उसमें इंस्टेंट आपको मैं वो चीजें भेजता हूं सर मैथमेटिक्स की बुक नहीं मेरे पास ये लो भैया पीडीएफ सर एप्टीट्यूड नहीं मेरे पास ये लो भैया पीडीएफ सर ये वाला पीवाई क्यू नहीं ये लो पीडीएफ सर ये मेरी हेल्प की नीड है ये लो भैया मैं तो हर चीज करने का ट्राई करता हूं लेकिन उसके बदले में मुझे मिलता क्या है कुछ भी नहीं आपकी रैंक आने के बाद आप बताना तक मुंसिब नहीं समझते आपका सिलेक्शन होने के बाद एक मैसेज ड्रॉप करना नहीं मुनसिब समझते क्या देते हो आप रिटर्न में लेकिन उसकी परवाह किए बिना भी देता हूं ना आप लोगों को लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दूंगा सारी चीजें लेकिन आपको भी बताना पड़ेगा है ना आप बोलिए कि सर पचास से नीचे कभी बच्चा नहीं जाएगा आप गेट एक्सपेक्टेड सीरीज स्टार्ट करिए अगले दिन से स्टार्ट कर दूंगा मैं बोलिएगा ठीक है कमेंट करिएगा आप यहां पर अच्छा हम आ जाते हैं हीट ट्रांसफर में हीट ट्रांसफर में सर ये तो पूरा सिलेबस ही हो जाएगा बिल्कुल सही बात है कंपोजिट वॉल कंडक्शन का एक पार्ट है यहां से आप देखिएगा सिंगल वॉल है टू थ्री फोर वॉल है के वन के टू के थ्री के फोर का यूज हो रहा है वहां का क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं सिंपल सा क्यू पूछ लेता है हीट लॉस पूछ लेता है है ना मतलब आप लोगों से थर्मल कंडक्टिविटी पूछ लेता है एवरेज के फॉर्म में पूछ लेता है तो वो वाला पोर्सन इंपॉर्टेंट है आने के चांस रहते हैं इसी में आपका एक फिंस वाला पार्ट है वो वाला इंपॉर्टेंट है कंडक्शन विद हीट जनरेशन ठीक है कंडक्शन हो रहा है उसके अंदर एक कोई सोर्स भी ले लिया गया है ना तो उसके बेसिस पे क्या होगा अनस्टडी स्टेट ये उतना इंपॉर्टेंट पहले नहीं था बट अब इंपॉर्टेंट हो गया है है ना तो वो आप देखिए बाउंड्री कंडीशंस वाला पोर्शन आप देख के जाइए हीट एक्सचेंजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एल के क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं ठीक है एल में वो भी काउंटर uh, करेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है काउंटर करेंट में भी एक और इंपॉर्टेंट है जिसमें हमारा जो डिफरेंस आता है डेल्टा टी वन डेल्टा टी टू सेम आ जाता है तो उसमें एवरेज ले लिया जाता है ठीक है रेडिएशन रेडिएशन तो इंपॉर्टेंट है स्पेशली सेफ फैक्टर है इनफाइनाइट प्लेट है सील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है और कन्वेक्शन में इक्वेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अलावा जो और भी बहुत सारी इक्वेशन आपको लिखाई जाती हैं बाउंड्री कंडीशंस आपको पढ़ाई जाती है वो सारी चीजें एफ से रिलेट करके आप इसको पढ़िए और मजा आता है तो ये बहुत मजेदार सब्जेक्ट है अगर आप इसको फ्लूड मैकेनिक्स और आ, इसको हीट ट्रांसफर को रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो एक गजब लेवल का मजा आता है इसमें ठीक है फिर इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो मैंने कुछ देखा Uh, कुछ पर्टिकुलर में जैसे रेडिएशन रेडिएशन रेडिएशन, ठीक है तो यहां पर सेफ फैक्टर पर यहाँ पर प्लेट का, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया इसी तरह से इंसुलेशन तो का भी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंडक्शन वाला पार्ट ठीक है कंपोजिट वॉल ठीक है या कन्वेक्टिव डिटा इक्वेशन यहाँ पर भी आप देखिए टेम्परेचर प्रोफाइल एंड स्टडी स्टेट का पूछ लिया गया हीट एक्सचेंजर क्वेश्चन इपरेटर भी इंपॉर्टेंट है मैं भूल गया इपरेटर का क्वेश्चन कम आता है लेकिन इंपॉर्टेंट वो भी है ठीक है फिर अगर इसके बाद बात करें मैं इसकी पीपीटी आप लोगों को शेयर कर दूंगा ऐप में तो आप लोगों को इस सारे टॉपिक वहां से देखने को मिल जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स की मैं बात करूं तो बेटा अगर किसी ने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स नहीं किया तो सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स पे फोकस करिए और ओनली फार्मूला याद करके पीवाई क्यू करने का वहां से कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करिए और अगर किसी ने कर लिया है तो फिर वो सारी चीजें देखे और अगर किसी ने नहीं किया तो उसको क्लासिकल थर्मो करने की नीड नहीं मैं भले ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सवेल इक्वेशन आप देख लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ मैक्सवेल इक्वेशन देख लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पीवाई बस देख लीजिएगा अगर मन करे तो नहीं क्लासल छोड़ दीजिए दो नंबर या मैक्सिमम तीन नंबर की आती है छोड़ दीजिए सलूशन थर्मो पे फोकस करिए ठीक है वैसे मैंने टॉपिक लिख दिए हैं प्रॉपर्टीज वर्क एंड हीट फॉर ऑल प्रोसेस थर्मोडाइनिक्स लॉ एंड एक्टिविटी ट्रॉपी फ्यूगाविटी में रेसिडल एंड एक्सेस प्रॉपर्टीज ठीक है और चेंज इन मिक्सिंग केमिकल रिएक्शन रियक्शनिया राउलॉ और मॉडिफाइड राउलला और ये मैक्सवेल इक्वेशन ये सारी चीजें आप लोगों को देखना रहेगा देन अगर मैं बात करूं तो का पे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है ठीक है पीवी डायग्राम हीट एक्सचेंजर रेफ्रिजरेटर हीट पंप इफिशियंसी इक्वेशन कॉन्स्टेंट रूल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना हीट इंजन इफिशियंसी एडियाबैटिक प्रोसेस प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक्टिविटी कोफिशियन मैक्सवेल रूल सोलूशन मोलर प्रॉपर्टीज ना आइसेंट्रोपिक प्रॉपर्टीज और थर्मोडाइनिक प्रॉपर्टीज ये सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते तो थर्मो एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा क्या हुआ भाई प्लांट डिजाइन का मिस हो गया क्या चलो प्लांट डिजाइन का मैं ऐसे बता देता हूँ मेरे ही सब्जेक्ट है उसका वो शायद मिस हो गया मेरे से तो इसमें आप लोगों को देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है एक तो कॉमलेटिव कैश पोजिशन जो ट्री ग्रोथ कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से याद करिए कॉमलेटिव कैश पोजिशन है वो अच्छे से देख लीजिए क्योंकि जितना भी आपका नेट कैश फ्लो का क्वेश्चन है वो वहीं से बन पाएगा डिप्रिसिएशन प्रॉफिटेबिलिटी इसके अलावा कुछ जो आपके ये दो फार्मूले हैं स्केलिंग मेथड का कैपेसिटी चेंज करने का या टाइम चेंज करके इक्विपमेंट कॉस्ट कैलकुलेट करने का है ना ये सिक्स टेंथ फैक्टर रूल वाला तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब इसमें भी प्रोबेबिलिटी में अगर मैं बात करूं वैसे तो पांच मेथड पांचों इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पे आउट पीरियड रेट ऑफ रिटर्न दो चीजें सबसे ज्यादा फिर तीसरे नंबर में नेट रेट ऑफ रिटर्न जो एनपीवी वैल्यू निकालनी रहती है ठीक है और कॉमलेटिव कैश पोजिशन वाला ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा तो ये प्रॉफेबिलिटी के मेन इंपॉर्टेंट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का भी क्वेश्चन बेस में सकते but rate return सकते 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 पूछ सकते हैं बट रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करा सकते हैं पे पीरियड कैलकुलेट करा सकते हैं सकते सकते हैं हैं एनपीवी कैलकुलेट करा आपसे पूछ ठीक है थीके? तो ये पोर्सन आपको याद रखना है मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं कॉमलेटिव कैश फ्लो कैश कॉस्ट इंडेक्स पे बैक पीरियड ऑप्टिमाइजेशन नेट हाँ मैं ऑप्टिमाइजेशन भूल गया था ऑप्टिमाइजेशन और ठीक है प्रेजेंट वर्थ ब्रेक इवन पॉइंट आप 20 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए उतना सफिशियंट रहेगा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी डिप्रिसन और कॉमलेटिव uh, कैसपोजिशन ये ब्रेक इवन पॉइंट उसी में आ जाता है बाकी सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी इतना आप कवर कर लीजिएगा हम आ जाते हैं मास ट्रांसफर में मास ट्रांसफर में तो बेटा दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्लेशन और डिफ्यूजन अब डिस्लेशन और डिफ्यूजन अपने आप में एक सब्जेक्ट है अपने आप में एक सब्जेक्ट है ठीक है तो मैं इसमें क्या बोलूं कि आप ये पढ़ लो ये ना पढ़ लो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है इसके कॉन्सेप्ट को जितना डेप्थ में पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है अगर टाइम है तो उतना कर लीजिए नहीं है तो फिर बेटा उसमें कुछ बहुत ज्यादा ये नहीं है कि एक टॉपिक पढ़ लो वही आ जाए ऐसा नहीं है ड्राइंग के कुछ गिने चुने फार्मूले हैं आप वो पढ़ लीजिए एब्जॉर्बशन के कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो देख लीजिए तो वहां से आपको यह रहेगा कि एटलीस्ट चलो इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम कर लेंगे एक्सट्रेक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए कैसे हमारा कर बनता है ट्रेंगल इक्टर ट्रेंगल कैसे बनेगा कैसे हम वहां पर रेफिनेट एक्सट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे कहां पर हमारा मिक्सिंग होगी वो सारा पोर्स थोड़ा सा मिक्सअप करना पड़ता है तो टाइम लगता है लेकिन अगर आपको तैयार है तो जरूर उस पर फोकस करिए नहीं तैयार है तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग एब्जॉर्ब और कुछ बेसिक फॉर्मूले याद कर लीजिए उतना सफिशियंट रहेगा ठीक है फिर अगर इसके बाद हम बात करें प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल वैसे मास ट्रांसफर में ऑलरेडी सर आपको बता देते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और मास ट्रांसफर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है ठीक है एक टॉपिक भी अगर आप छोड़ते हो ना तो ये लगता है पता नहीं इसी से ना क्वेश्चन आ जाए तो इसलिए हम बोलते हैं अगर मास ट्रांसफर तैयार है देन बहुत अच्छा है अगर नहीं तैयार तो अब जबरदस्ती उसके उसमें मत फंसना क्योंकि वो इतना कंफ्यूज कर देगा इतना डिमोटिवेट कर देगा कि परेशान हो जाओगे तो अब जबरदस्ती मत फंसिएगा प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल सेकेंड ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है स्टेबिलिटी कॉस्केड है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम फीड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कंट्रोलर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोज लिप्ट ट्रांसफर फंक्शन स्टेबिलिटी रूथ एरे बोडे प्लाट है ना ये कैस्केड uh, कंट्रोलर और इंस्ट्रूमेंटेशन में एक जब भी कोई भी सर आपको पढ़ाते हैं तो एक टेबल आपको दे देते हैं ये इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज होता है ये कंडीशन होती है बस उतना आप पढ़ लीजिए उतना याद रखिए सफिशियंट है, sufficient है. सिंबल्स ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ था तो इसको थोड़ा सा देख के जाइएगा एक नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है अच्छा ठीक है तो ये सारी चीजें आपके हो गई बाकी बचे सब्जेक्ट का मैं बताता हूं लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अगर आज शाम को पांच बजे तक आप नहीं परचेज करते तो पांच बजे तक परचेज करेंगे तो नाइनटी नाइन रुपीज टू ट्वेंटी और प्लस थर्टी और आज शाम तक नहीं परचेज करते हैं, तो कल से आप लोगों का जो कॉस्ट होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा नाइनटी जाए, नाइन की इसमें 1000 और उसमें बढ़ जाएगा सिक्सटीन दिसंबर तक क्योंकि मेरा फोर्टीन से बेस्ट शुरू है फिफ्टीन तक का टाइम दिया है क्योंकि हमने अपने पुराने प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट को भी फिफ्टीन तक का टाइम दिया है उन बच्चों को बेटा कोड पहुंचाए जा चुके हैं अभी उन बच्चों को कोड नहीं मिला जो हमारे फैकल्टी uh, कोर्ट से थे जो अदर कोर्ट से थे कोई 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 स्कॉलरशिप से था, एक्स एकेडमी uh, करके यूज कर लेता है, कोई कुछ यूज कर लेता है कोई प्लस टेन कोई रिपब्लिक ट्वेंटी सिक्स ऐसे यूज कर लेता है तो उन सबके कोड वाले बच्चों को उनके पास कोड पहुंच चुके हैं लगभग लगभग एट्टी परसेंट तक कल हो गया था ट्वेंटी परसेंट अभी वो बच्चे बाकी हैं और बाकी हमारे कोड वाले बाकी हैं तो उनको आज के दिन सबको कोड मिल जाएगा आज शाम तक नाइट तक सबको मिल जाएगा आज है आपका बेटा 11, 12, आपको एक कूपन कोड मिलेगा जब आप कोर्स परचेज करने के लिए जाएंगे इसमें तो वहां पर आपको जो भी कॉस्ट दिखे उससे मतलब नहीं है आप एंटर करिएगा बाई नाउ आपको वन टाइम पेमेंट करना है कॉस्ट मैंने इतना कम दिया है तो आप उसके बेसिस पे मूव नहीं करेंगे इंस्टॉलमेंट वाले पे आपको इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा आप लोगों को जो ऑप्शन मिलेगा वो वन टाइम पेमेंट का ही मिलेगा या फिर आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो क्रेडिट कार्ड से आप ई बेसिस पे पे कर सकते वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म का चार्ज लिया है जितना प्लेटफॉर्म हमसे एक बच्चे का चार्ज ले रहा है ऑप्टिमम बेसिस पे ठीक है तो वो आपसे लिया गया है सिर्फ और सिर्फ छह हजार रुपए अब जिसकी वैलिडिटी किसी की अक्टूबर तक है किसी की जुलाई तक है किसी की मार्च तक है किसी की गेट एग्जाम तक है या किसी की फिनिश होने वाली है दिसंबर में तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग कॉस्ट रखी गई है ठीक है लेकिन अगर आपकी वैलिडिटी अभी भी जायज है अभी भी आपका चल रहा है भले ही दिसंबर एंड में फिनिश हो रहा हो तो भी आप लोगों को कम से कम तीन चार हजार का डिस्काउंट तो मिनिमम मिला ही मिला है बाईस हजार का जो कोर्स आपको ये दिख रहा है तो किसी भी बच्चे को बच्चे से अठारह हजार से ज्यादा चार्ज नहीं किया गया तो चार हजार का तो सबको छूट मिला है जिसका अभी भी फिनिश होने वाला है हमारे कोर्ट का नहीं था तब भी उसको चार हजार का डिस्काउंट मिला है अगर दिसंबर जनवरी में ही उसका कोर्स फिनिश होने वाला है तो भी चार हजार का डिस्काउंट दिया जबकि नहीं देना चाहिए फिर भी दिया है कि चलो एक साल तो आप पे कर चुके हो क्योंकि आप कहीं ऑन लोगे ना तो डिस्काउंट इतना नहीं मिलेगा आप वहीं पर रिन्यू कराओगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलता है लेकिन हमसे सस्ता तब भी नहीं मिलेगा तो आप लोगों सब को सबको प्रोवाइड किया है आज नाइट तक हर बच्चे के पास कोड पहुंच जाएगा वन टाइम पेमेंट या ईएमआई बेसिस पे क्रेडिट कार्ड से करिएगा इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे आपको नहीं मिलेगा ठीक है क्योंकि इतना कम कॉस्ट है तो प्लेटफॉर्म अलाउ नहीं करता बोलता है, सर वन टाइम में हमें चाहिए चाहे आप दीजिए चाहे बच्चे से दिलाइए क्योंकि हम उसके लिए बार बार वेट नहीं करेंगे कि हर महीने पैसा आ रहा है वो नहीं कर पाएंगे तो वो प्लेटफॉर्म भी मना कर देता है क्योंकि टिकट साइज हम लोगों का बड़ा है मैंने बहुत बहुत ज्यादा ऑफर दे दिया है ठीक है तो आप लोग उसके लेकिन बस कंडीशन इतनी सी रहेगी कि आपको तभी हम कंसिडर करेंगे जब आपने कोर्स अपने नाम अपने मोबाइल नंबर अपने ई मेल से लिया है किसी का कोई इशू है सर मेल आईडी और नेम सेम है मोबाइल नंबर चेंज हो गया उस समय मैंने दूसरे नंबर से लिया था क्योंकि हम ही लोग कई बार बोल देते थे उस नंबर न्यू नहीं है तो आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा तो मोबाइल नंबर चेंज है चलेगा ईमेल आईडी सेम है ना चलेगा है ना आपका नेम सेम है मोबाइल नंबर चेंज है चलेगा कम से कम हमें यह प्रूफ मिल जाए कि नहीं वो स्टूडेंट आप ही थे नहीं ऐसे में क्या है कोई किसी की भी इनवाइस लेके सर मैंने ये परचेज किया था सर मेरा ऐसा है मुझे ऑफर दे दो तो नहीं दे सकते ना बेटा क्योंकि आप समझो ना मैं कितना मिनिमम कर दूंगा तो हमारे ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है हमें भी प्लेटफॉर्म चलाना है हमें भी लोगों की सैलरी देनी है तो सबको छूट नहीं दे सकते लेकिन हाँ मैंने सबकी भावनाओं को समझा आपके सपोर्ट को समझा मेरे सपोर्ट को अब आप समझिएगा और उससे ज्यादा डिस्काउंट के लिए मत बोलिएगा क्योंकि वो मैक्सिमम मैंने दे दिया है जितना नहीं देना चाहिए था ठीक है आपने आपने मेरा कोड 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 यूज यूज किया था, आपने यूज किया था था कोई और फैकल्टी जिससे जिसको हम लोग सपोर्ट करते रहे बोलते रहे तो उसमें मैंने फुल डिस्काउंट दिया है आपको लगेगा कि हाँ सर ने मतलब कंसिडर किया है हम लोगों को ठीक है अब किसी का एक महीने बाद खत्म होने वाला है तब उसको पाँच हजार दस हजार का तो नहीं दे सकते ना समझो ना बात को क्योंकि आप रिन्यू भी कराओगे तो आपको कम से कम तीस पैंतीस हजार देना पड़ेगा और फिर अगर मैं आपको पंद्रह हजार बारह हजार चौदह हजार बोल रहा हूं तो ये ज्यादा अमाउंट तो नहीं है ना तो बस ये याद रखिएगा इस बेसिस पे आपको मूव करना है और फ्रॉड करने का ट्राई मत करिएगा बेटा टीचर से फ्रॉड मत करिएगा क्योंकि वो चेक होता रहेगा और किसी का गलत पाया गया तो फिर आप लोगों को आगे प्रॉब्लम हो जाएगी है ना तो मत करिएगा चलो और मैंने आप लोगों को एक लकी ड्रा का भी ऑप्शन दिया था लकी ड्रा ये था कि जो भी बच्चे कोर्स परचेज करेंगे उन बच्चों का जो स्टूडेंट होगा कोर्स परचेज करने वाला उसको कुछ ना कुछ आ, वो मिलेगा आ, प्राइज गिफ्ट मिलेगा ठीक है या फिर जो लकी ड्रा करेंगे टॉप फाइव विनर होंगे उनको मिलेगा और इसी तरीके से जो प्रीवियस प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं जो कोड के थ्रू परचेज करेंगे वो जितने भी बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उन बच्चों का 15 तक वो परचेज कर लेंगे को को उनकी लिस्ट बन जाएगी नाइट में नाइन थर्टी पी एम लकी ड्रा होगा उनको भी इसका लकी ड्रा में पार्टिसिपेट करने का मिलेगा टॉप जो पांच बच्चे होंगे लकी ड्रा से उन बच्चों को भी कैशबैक मिलेगा कैशबैक मिले या आपको कोई मैं कूपन दे दूं कूपन ऐसा नहीं कि अपने कोड अपने कोर्स का कूपन देंगे जोमैटो या फिर अमेजॉन बाउचर ऐसा कुछ देंगे आपको है ना आपके लिए यूजफुल हो चलो आ जाते हैं फ्लूड मैकेनिक्स में बेटा बेसिक प्रॉपर्टी फ्लूड न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूड बाइंसिव फोर्स ठीक है या कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो बाउंड्री कंडीशन इसके अलावा हाइड्रोस्टेटिक हाइड्रोस्टेटिकला प्रेशर मेजरमेंट मैनोमीटर ठीक है बर्नौली इक्वेशन उसके एप्लीकेशंस बाउंड्री लेयर और डायमेंशन डायमेंशनल एनालिसिस सिग्निफिकेंस ठीक है ये सारा पोर्शन इंपॉर्टेंट है बाकी इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया बट आप कर लीजिएगा पंप वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पंप का क्वेश्चन आ ही जाता है uh, आप देखिएगा प्लेनेट गेट चैनल पर सुमित सर का एक या दो सेशन पड़ा हुआ है पंप का मैराथन टाइप में आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा पंप वहां से आपका तैयार हो जाएगा मैकेनिकल ऑपरेशन में मिक्सिंग फ्लूडाइजेशन एंड फिल्ट्रेशन ये इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक है ना मिक्सिंग इंपॉर्टेंट है फिर टर्मिनल वेलोसिटी से क्वेश्चन आता है स्पेरी सिटी से पहले बहुत आता था अब उतना तो नहीं आता लेकिन इंपॉर्टेंट अब भी है सेडिमेंटेशन और साइड साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स जो है ना जो इसके लॉ तीन लॉ है वो आप देख लीजिएगा और केमिकल टेक्नोलॉजी में पेट्रोलियम पॉलीमर मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर एंड पल्प और पेट्रोकेमिकल और फूड इंडस्ट्री के भी कुछ सुगर वगैरह के और इसके फर्टिलाइजर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है न्यूक्लियर के क्वेश्चन कम आते हैं है ना तो उसमें इतना फोकस करने की नीड नहीं है सबसे ज्यादा पेट्रोलियम और पॉलीमर के आते हैं केमिकल टेक्नोलॉजी हो तो गया ये कहा क्या आ गया अच्छा ये बेटा मैंने नाम चेंज नहीं किया प्रोसेस कैलकुलेशन का है रिसाइकलिंग सिंगल पास कन्वर्जन मल्टी पास कन्वर्जन दोनों इंपॉर्टेंट है बट सिंगल पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर भी क्वेश्चन इसे पूछा गया लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर हीट लॉस यहां से क्वेश्चन आता है तो ये आपको लोगों को मैंने पढ़ाया है कैलोरी फिक वैल्यू निकालने का क्वेश्चन आ सकता है बट कम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एक मेटेरियल बैलेंस का जिसमें क्रिस्टलाइजेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके अलावा क्योंकि आप लोगों का मास ट्रांसफर नहीं, नहीं पूछा जाता जबकि डिफ्यूजन और ये सब पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है, है इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल बैलेंस बाईपासिंग पर्जिंग वाला रहेगा रिसाइकलिंग का रहता है कम इंपोर्टेंट है वो सिया में इंक्लूड करके पूछ लेते हैं लेकिन पूछ सकते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन डिमांड का एक्सेस ऑक्सीजन का एक्सेस एयर का इतने टॉपिक आप जरूर पढ़ लीजिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चलिए तो ये सारे सब्जेक्ट के आपके इंपॉर्टेंट थे अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो आप कंप्लीट मत करिए अगर कम से कम आपके छह से आठ सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए उनका पीवाईक्यू करिए उनका टेस्ट सीरीज दीजिए और गेट आ, के लिए जो हमने प्री गेट टेस्ट सीरीज रखा है ट्रिनिटी की वो जरूर ले लीजिए 99 है उससे आप गरीब नहीं हो जाओगे लेकिन ये 99 आपको ऐसी फीलिंग देके जाएंगे कि गेट एग्जाम में कम से कम 20 नंबर बढ़ा के आओगे सिर्फ ये आठ टेस्ट से और ये आप लोगों को ऐसा कॉन्फिडेंस देके जाएगा और यहां के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आप लोगों को इतना बेटर फीलिंग करा देंगे कि आप लोगों को हमेशा एग्जाम देने के बाद ना यही बोलोगे सर थैंक यू आपने अगर वो नहीं कराया होता तो शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया होता और जब गेट का एग्जाम देकर आना तो त्रिटी गेट का फीडबैक जरूर भेजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए और हमें उसमें क्या और ज्यादा इंप्रूव करना है वो सजेशन जरूर दीजिएगा आपके मेरे सारे स्टूडेंट के सजेशन हमेशा मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और मैं उसमें चेंज करने का जरूर ट्राई करूंगा है ना उसको और इंप्रूव करने का जरूर ट्राई करूंगा ये तो जस्ट शुरुआत है आगे आगे देखो एक साल के अंदर मैं इस ऐप को इतना इंप्रूव कर दूंगा इस ऐप में इतनी सारी चीजें भर दूंगा केमिकल इंजीनियरिंग का कोई भी डाउट कोई भी चीज का सिंगल सोल्यूशन गेट थीनिटी ऐप आप क्लिक करिए आपके सामने हाजिर आप ढूंढिए आपको मिल जाएगा सर्च का मैंने ऑप्शन दे रखा है सर्च में आप डालोगे आपको मिल जाएगा गजब लेवल की प्लानिंग चल रही है टाइम लगेगा छ महीने तक आप लोगों को इसको धीरे धीरे अपडेट होते हुए देखने में क्योंकि हम जितनी भी हमारी फाइल्स हैं जितना भी कंटेंट है सबको अपडेट करवा रहे हैं उस पर गेट तीनिटी का लोगो हो है ना कोई कल के लिए और क्लेम ना करने लगे उसको प्रॉपर मैनर में रीअरेंज करना क्योंकि सेम टू सेम कर देंगे कॉपीराइट आ जाएगा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लीगल तो हम एकदम से नहीं कर सकते बट आप लोग छह महीने के अंदर देखिएगा जब आप लोगों का टाइम आएगा ना मार्च अप्रैल के आसपास कि अब हमें प्रैक्टिस की नीड है अब ये है कुछ भी चाहिए ऐप में अवेलेबल है हर एक चीज ऐप में अवेलेबल है जो लोग परे सर पीवाई क्यू नहीं मिल रहा टॉपिक वाइज नहीं मिल रहा सब्जेक्ट वाइज नहीं मिल रहा ईयर वाइज नहीं मिल रहा सब कुछ ऐप में अवेलेबल है सर जॉब का नोटिफिकेशन ऐप में अवेलेबल है हर चीज का नोटिफिकेशन ऐप में आ रहा है हर चीज आपको इस ऐप में मिलेगा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा चलिए इसके लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में है आपके सारे टेलीग्राम ग्रुप में है तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा चलिए तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है डायरेक्ट मुझे आप मैसेज कर दीजिए लेकिन आप मैसेज ऐसा मत करिएगा कि यार सर गुड मॉर्निंग है ना सर गुड नाइट गुड इवनिंग ये मैसेज नहीं चाहिए फेस्टिवल के कभी कभार होते हैं तो चलो चलेगा लेकिन आपका रिजल्ट आए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ई आपका सिलेक्शन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सजेशन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको हेल्प चाहिए वो इंपॉर्टेंट है आपको कुछ भी डिमांड करनी है वो इंपॉर्टेंट है आपको कोर्स परचेज करना है वो इंपॉर्टेंट है आपको फीडबैक देना है वो इंपॉर्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप मुझे डायरेक्टली भेज सकते हैं और ऐप में भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और ये बेटा सारे ग्रुप है दोनों टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप ग्रुप उसके लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं और जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं अगर आप उसमें प्रेजेंट हैं तो आप अपने जूनियर्स को वहां पर इंक्लूड करिए जोड़िए और प्रेजेंट नहीं है तो आप मुझे बताइए मैं जोड़ देता हूं आप अपने कॉलेज में अपने सीनियर्स को बताइए वो जोड़ देंगे क्योंकि हर कॉलेज के बहुत सारे बच्चे वहां पर इंक्लूडेड हैं लिंकड इन में आपको लिंक मिल जाएगी फेसबुक में लिंक मिल जाएगी इंस्टा में ट्विटर में हर जगह मैं अवेलेबल हूं और नहीं कहीं मिले ना तो आप जस्ट सर्च कर लेना शैलेंद कुमार सर केमिकल इंजीनियरिंग मैं आपको मिल जाऊंगा कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ सैलेंट कुमार सर केमिकल इंजीनियरिंग गूगल में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा और क्या चाहिए यार जब कुछ नहीं मिलता तो हम गूगल में सर्च करते हैं ना जाके सर्च करो मैं मिल जाऊंगा आपको ठीक है मेरा फेस देख ही रहे हो और चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो सेशन लाइक नहीं किया लाइक कर दो शेयर कर देना और कमेंट कर दो ठीक है जब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेगा तो कमेंट जरूर करिएगा मैं एक बार आपके कमेंट देख लेता हूं आपके जो डाउट होंगे वो डाउट क्लियर करता हूं देन सेशन को फिनिश करेंगे फार्मूला याद नहीं रहता राइट तो फार्मूला के लिए मैंने आपको बोला था एंड में मैं आपको बताता हूं आप एक काम करो डेली सोने से पहले कॉपी पेन उठाओ और किसी भी सब्जेक्ट के 25 फार्मूले लिखो आपको जितने याद है ना किसी भी सब्जेक्ट का मैथ का, 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 का या फिर आपको सीआर का मास ट्रांसफर का मैकेनिकल ऑपरेशन का या फिर आपको फ्लूड जितने आते हो ना एक बार लिखो बिना देखे लिखते चले जाओ ये इसका फार्मूला ये इसका है ये इसका ये इसका है एक दिन दो दिन तीन दिन तीन दिन बाद तो ऐसा होगा ना जब आपका दिमाग खाली हो जाएगा अब याद नहीं आ रहा कॉपी उठाओ एक एक सब्जेक्ट को उठाओ आज मास ट्रांसफर का करते हैं मास ट्रांसफर के आप हेडिंग देखते जाओ और बिना देखे फार्मूला लिखते जाओ हेडिंग देखो फार्मूला लिखो हेडिंग देखो फार्मूला लिखो जो नहीं आ रहा उसको देखो और उसको देखने के बाद अच्छा ये देखा ये फार्मूला मुझे नहीं आ रहा था उसको ऐसे बॉक्स में बंद करो फिर बाकी देखो अगर आपको याद आ रहा था और आते आते गलत हो गया तो उसमें ऐसा गोला बना दो नहीं आया आपने देख के लिखा उसको बॉक्स बना दो और आया लेकिन मिस्टेक हो गया प्लस माइनस गलती हो गई है बीच में थोड़ा सा देखना पड़ा गोला बना दो मतलब इन दोनों को रिपीट करना है जो आ गए उनको कुछ नहीं करो फिर एक बार उसको मैच करो कि आपने सारे फार्मूले सही लिखे जो सही है उनमें टिक मार दो जो गलत है उनमें क्रॉस मार लो जिसमें भी क्रॉस लगा है जिसमें भी बॉक्स बना है जिसमें भी गोला लगा है इन तीनों तरह के फॉर्मूले को नेक्स्ट डे फिर रिपीट करना है और बाकी ट्वेंटी न्यू फॉर्मूले अपने आप से फिर लिखने

दो दिन के पुराने वाले फार्मूले लिखेंगे और आज नए पच्चीस फार्मूले लिखेंगे ठीक है तो डेली आप लगभग थर्टी फाइव फार्मूला लर्न कर रहे हो कम से कम और अगर पच्चीस फार्मूले में ऑन एवरेज डेली ले, ले लेता हूं कि न्यू तो पच्चीस है ना तो पच्चीस ले, ले लेते अभी आपके पास पचास दिन है 1250 फार्मूले आपको याद हो जाएंगे और 1250 फार्मूले में क्या 20-30 फार्मूले ऐसे नहीं होंगे जो गेट एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा होंगे वही सारे फार्मूले होंगे यार वही सारे होंगे कम से कम आठ दस सब्जेक्ट के तो तैयार हो जाएंगे अरे पांच के तैयार हो जाएंगे ना ऐसे करना स्टार्ट कर दो और जब कॉन्फिडेंस आने लगे ना तो 25 को डेली 30 कर देना फिर कुछ दिन बाद 30 को 35 कर देना फिर 35 को 40 कर देना और 15 जनवरी के बाद डेली 50 फार्मूले आप लिखना ट्राई करना डेली 15 दिन 50, 50 50 50 50 लिख रहे हो जो गलत हो जा रहा है नेक्स्ट डे उसको भी इंक्लूड करके 50 कर लेना लेकिन डेली करोगे ना फार्मूले भूलेंगे नहीं आपको हमेशा याद रहेंगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और यह कॉन्फिडेंस आपको गेट में रैंक लाने के काम आएगा क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे अब यार मेरे को तो ना हजार फार्मूले तो ऐसे ही आते हैं अभी खड़े करके सुन लो लाओ कॉपी पेन दे दो नंबरिंग डाल के लिखिए जिस दिन आपके हजार फार्मूले पूरे होंगे ना आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा यार, मजाक मजाक में हजार याद हो गए कॉन्फिडेंस देकर जाएगा तो आपको यह फील होगा यह सैलेंसर की बात मैंने सही मान ली

याद नहीं है एग्जैक्ट नंबर लेकिन तीन हजार दो सौ कुछ मैं कर चुका था मैथमेटिक्स के इसी तरीके से मैं नंबरिंग किया करता था केमिकल इंजीनियरिंग की तो वो एक नंबर जो होता है ना एक फीलिंग हजार सात सौ बाईसवा क्वेश्चन ये इतना मतलब अपने आप में ये लगता है इतने क्वेश्चन में कर चुका हूं इतने फॉर्मुले में कर चुका हूं क्या मेरा रैंक नहीं आएगा तो किसका रैंक आएगा ये कॉन्फिडेंस देके जाता है ट्राई करो ना आज से

आप क्वेश्चन कर रहे हो ना नंबरिंग डाल के करो फार्मूला लिख रहे हो ना नंबरिंग डाल के करो रिवाइज कर रहे हो ना नंबरिंग डाल के करो ये नंबर जितना बढ़ेगा उतना बढ़ेगा उतना उतना कॉन्फिडेंस आपका आपको फीलिंग आएगा उतना आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे यकीन मानो, यकीन मानो मानो आज आपको ये जो फार्मूला में दिया हूं ना ये एक गुरु मंत्र है और ये गुरु मंत्र आपको काम देगा ये गेट ट्रिनिटी जो कि आपकी प्री गेट टेस्ट सीरीज है ये गुरु मंत्र है ये आपको काम देगा जो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं ये इस समय इसी की नीड है और इस स्ट्रगल बिहाइंड सक्सेस में इस बार मैं आपके लिए गजब का बंदा लेकर आ रहा हूं जिसको सुनने के लिए आप जरूर आओगे क्योंकि आपके मन में भी होता है कि ये रैंक मेरी भी आनी चाहिए वो रैंक लाने के लिए आप जरूर आओगे उसकी बात को सुनोगे तो वेट करिएगा इस बार गजब इस बार थोड़ा गलती हो गई कमेंट नहीं कर पा रहे थे आप लोग तो मजा नहीं आया ठीक है मैं जो उम्मीदों के साथ लेके आया कि आपके डाउट क्लियर करें वो नहीं हो पाया था लेकिन इस बार बहुत मजा आएगा वो सेशन बेडनेसडे को भी हो सकता है और हो सकता है वो सेशन संडे को अगर वेडनेसडे को होगा तो आपको आज नाइट तक उसके लिंक तो चलिए और कोई डाउट है सर, का आपको गेट एक्सपेक्टेड सीरीज के बारे में बता दिया सर, में ओनली सोलूशन थर्मो के टॉपिक हाईलाइट कर दो बेटा जो नीचे लिखे थे ना सिर्फ अब मैं बैक जाना पड़ेगा चलो मैं जो पीपीटी दूंगा उस पीपीटी में मैं आप लोगों को पीडीएफ अपलोड करूंगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा कर लो बहुत ज्यादा अब उसमें टाइम नहीं दे पाओगे आप ठीक है नमस्ते सर कैसे हो मैं एकदम सही हूं प्रतीक आप कैसे हो बेटा एमटी पूरा इंपॉर्टेंट है बेस जरूर इंपॉर्टेंट है लेकिन अब नहीं करना अब आपको वो डिमोटिवेशन आपके अंदर आ जाएगा अब करोगे तो ठीक है सर अब बात करना था कॉल कल लू सेशन के बाद हाँ भक्तिदास कर लेना बेटा सॉरी सर मैं कल से ही सोच रहा था ये सेशन ज्वाइन करूंगा बट अभी ज्वाइन किया कोई बात नहीं गोपाल आप आ, इसकी पीपीटी में ऐप में शेयर कर दूंगा अभी इवनिंग तक तो आपको ये मिल जाएगा ठीक है चलो कोई बात नहीं आप ध्यान नहीं रहता ना तो जैसे आप लिंक देखा करो मैं शेयर करता हूं आप लोगों को ग्रुप में लिंक में क्लिक करके नोटिफाई मी कर दिया करो तो जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा आपको पहले से आके वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरे सेशन कम कम से मिनट लेट स्टार्ट होते हैं तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा ठीक है और जैसे ही आपका स्टार्ट होगा वैसे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा आप क्लिक करिए ज्वाइन कर लीजिए ठीक है नमस्ते सर सॉरी कोई बात नहीं धीरज सर ऐप का लिंक दे दो कृष्णा मुरारी आपके पास ऐप का लिंक नहीं है मैं बहुत मारूंगा सच में आपके पास नहीं है कहीं पर भी जहां पर मेरे साथ जुड़े हो ना वहां पर मिल जाएगा चलो मैं ऐसा करता हूं अपने WhatsApp में यूट्यूब का, का और वेबसाइट का तीनों लिंक अपने WhatsApp में मैं अपडेट कर देता हूं तो मेरे स्टेटस में जाओगे ना स्टेटस मतलब जो मेरी प्रोफाइल होगी उस प्रोफाइल में क्लिक करोगे ना तो आपको लिंक वहां पर मिल जाएगा करेगा सबके लिए आसानी हो जाएगी ठीक है मैं आज वहां पर अपडेट कर देता हूं थैंक यू सर हमारे लिए बहुत सोचते हैं ये आपको फील हुआ अच्छी बात है बहुत सारे बच्चे तो फील ही नहीं कर पाते कभी मेरे घर आइएगा और मेरे घर में पूछिएगा कि मैं आप लोगों के लिए क्या प्लानिंग करता हूं मैं आदि को टाइम नहीं देता हूं इस टाइम पे उसके साथ एक घंटे बैठ के खेल नहीं पाता हूं उसको मैं घुमाने नहीं ले जा पाता हूं सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बस इतना टाइम देता हूं कि इसको स्कूल जाके ड्रॉप करता हूं और कई बार तो लेने भी नहीं जाता घर से किसी को लेने जाना पड़ता है और ड्रॉप इसलिए करना है कि इसी बहाने में सोकर उठ जाऊंगा क्योंकि उसके स्कूल का टाइमिंग है सुबह साढ़े नौ बजे तो नौ बजे मुझे उठना पड़ता है रेडी होकर बजे छोड़ने जाना होता है और मैं सोता कितने बजे हूं देखिएगा कभी सात बजे का स्टेटस देखेगा कभी छह बजे का देखेगा, देखेगा इस टाइम पे कभी तीन घंटे सो रहा हूं कभी दो घंटे सो रहा हूं कभी चार घंटे और बीच में जब से कोर्स लॉन्च किया तब से लेकर अभी तक तीन रातें ऐसी हुई है जब मैंने एक मिनट नहीं सोया हूं लेकिन आप लोगों को इसकी कोई केयर नहीं रहती है ना बच्चे इतने मतलब ही हो जाते हैं कि अगर रिजल्ट आ गया ना तो उनको शर्म लगती है बताने में कि सर मैं आपसे पढ़ा था इसलिए रिजल्ट आया सर आपने मुझे क्रीम क्रीम प्रोवाइड किया इसलिए मुझे टाइम नहीं देना पड़ा इसलिए मेरा टाइम लॉस नहीं इसलिए रिजल्ट आ गया लोगों को बताने में शर्म लगती है और हमें कभी दिल से हमारे पूछे कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए आप दिल से पूछे आपको क्या लगता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बस मैंने सोचा और लिख लिया ऐसा नहीं है मैंने पिछले 20 साल के पीवाई क्यू देखे हैं उस क्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उसकी एनालिसिस रखी होगी ठीक है उसमें मैंने टॉपिक में ऐसे टिक मारा प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन, प्लस, टू, प्लस टू। तब मैंने ये टॉपिक दिया आपको क्या लगता है बस ऐसे लिख दिए होंगे ये टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे बेटा इसके पीछे होमवर्क कितना होता है ये आपको आइडिया तक नहीं है अब लगता होगा सर ने तो बोल दिया था उस दिन आएगा सेशन आया क्यों नहीं बेटा इस समय मैं इतना ज्यादा बिजी रहता हूं इतना ज्यादा वर्क चल रहा है ऐप में इतना ज्यादा कंटेंट पे वर्क चल रहा है इतनी सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हूं फोर्टीन से प्लस की क्लास है उन सबके लिए हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी दो डेली टेस्टिंग कर रहा हूं कहीं कुछ कर रहा हूं तो ये इतना ज्यादा बिजी हूं फिर भी उसके बाद में आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूं असली सेशन ले रहा हूं कॉन्टिन्यूसली आपके साथ इंक्लूड रहता हूं कॉन्टिन्य आपको मैसेज का रिप्लाई करता हूं कोई बच्चा बता दे कि पिछले एक महीने से उसने मुझे मैसेज किया और उसको रिप्लाई ना मिला हो दो चार बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं बहुत नीचे चला जा रहा हो तो नहीं हर बच्चे का रिप्लाई कर रहा हूं इस टाइम पे क्योंकि ये एग्जाम टाइम है कोई ऐसा ना रह जाए कि उसका डाउट रह जाए कोई ऐसा ना रह जाए कि वो डिमोटिवेट हो और मेरा रिप्लाई ना मिले मैं हर बच्चे को आंसर कर रहा हूं इस टाइम पे चलिए तो ठीक है सर पीडीएफ ग्रुप में भेज दीजिएगा ग्रुप में नहीं बेटा ऐप में अपलोड करेंगे ऐप से आपको मिल जाएगा ठीक है सर एक सेशन मार्क्स वर्सेज रैंक 2023 का भी ले लीजिए ऑलरेडी ले चुका हूं मैं मार्क्स वर्सेज रैंक का ऑलरेडी ले चुका हूं आप देखो ना अजब गजब कहानी के नाम से मैंने पूरा एनालिसिस लिया था आप देखिए एक बार वहां पर जाके बेटा सर एक पीपीटी प्रोवाइड कर सकते हैं क्या आप मैं ऑल फार्मूले हर सब्जेक्ट वहां से रेफरेंस लेके रिवाइज कर लेंगे बेटा ऑल सब्जेक्ट का तो मैं नहीं बोल रहा हूं लेकिन चलो मैं ट्राई करूंगा अपने सब्जेक्ट का प्रोवाइड करने का ठीक है तो मैं आप लोगों को सीआर का और मैथमेटिक्स का दिसंबर में ही प्रोवाइड कर दूंगा पीसी का और पीडी का जनवरी के फर्स्ट वीक में प्रोवाइड कर दूंगा इन चार सब्जेक्ट का मैं प्रोवाइड कर दूंगा फिर जो दूसरे सर आएंगे उनको भी मैं बोलता हूं वो अपने चार पांच सब्जेक्ट का प्रोवाइड कर दें तो मोस्टली सब्जेक्ट का आपके पास हो जाएगा मैं ट्राई करता हूं आपने बोला है तो आपकी बात याद रखूंगा एक काम करना अगले टेन डेज के बाद एक मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर फार्मूला वाला पीपीटी या पीडीएफ शेयर कर दोगे क्या ठीक है तो मुझे रिकॉल हो जाएगा कर दूंगा रुद्रानाथ रुद्रा कर दूंगा बेटा सर जनरल एप्टीट्यूड में अभी तक नहीं कर पाया हूं बट करना चाहता हूं अब मत करो

बेटा 2025 के लिए कोर्स के साथ में इंक्लूडेड रहेगी और अगर कोई बच्चा कोर्स नहीं लेता उसको परचेज करनी होगी तो उसके लिए बेटा आप मान के चलिए कि वही जून के आसपास लॉन्च होगी ठीक है और जो बच्चे कोर्स परचेज किए हैं उनके लिए स्टार्टिंग से ही जैसे पीसी सब्जेक्ट अभी स्टार्ट हुआ तो टॉपिक वाइज टेस्ट अभी से ही स्टार्ट हो जाएंगे फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट सीरी स्टार्ट होगा गेट के जस्ट बाद में और मैकेनिकल ऑपरेशन या फ्लू मैकेनिक्स में कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो उनकी टेस्ट सीरीज भी टॉपिक वाइज सब्जेक्ट के साथ ही स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो जो कोर्स वाले बच्चे उनको साथ साथ मिलेगी सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट टेस्ट टेस्ट और जो सिर्फ टेस्ट सीरीज लेंगे उनके लिए जून या जून में लॉन्च कर देंगे जुलाई से आपकी स्टार्ट हो जाएगी आपके स्टेटस से नोटिफाइ हाँ स्टेटस में बेटा सारी लिंक में अपडेट कर देता हूं गुड आफ्टरनून तान्या सर अभी प्रोसेस कैलकुलेशन नहीं किया है तो आप प्लस वाला कोर्स करूं पूरा नहीं बेटा तान्या करने की नीड नहीं है मैं इसी मंथ के एंड में मतलब ट्वेंटी के बाद यही मान के चलो ट्वेंटी के आसपास मैं पीसी का क्रैश कोर्स लूंगा सिर्फ पांच लेक्चर वो पांच लेक्चर कर लेना उसी में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दूंगा उसी में मैं पी क्यू करवा दूंगा प्रॉमिस है मैं लूंगा चाहे एक बच्चा भी ज्वाइन करे तो भी मैं लूंगा ठीक है चलो सर सेड नॉट टू डू एनी न्यू सब्जेक्ट हाँ कुछ भी न्यू सब्जेक्ट नहीं करना है अब आप लोगों को ठीक है सर अभी जस्ट कोर्स इनरोल किया है वेटिंग फॉर पी कर दिया धीरज ठीक है तो सेशन से पहले मेरी आपकी बात भी हुई थी चलो तो बस फोर्टीन का वेट करो रात में नौ बजे का लेकिन उसके पहले ठीक है मैं बेटा आप लोगों को अभी ग्रुप वगैरह में ऐड नहीं किया जो आप पहला सेशन करेंगे तो वहां से आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी ग्रुप की लिंक ऑलरेडी कोर्स के साथ में मैंने इंक्लूड की है तो अगर आप लोग कोर्स में जाके क्लिक करेंगे तो पेड वाले बच्चे ओपन कर पाएंगे वहां पर ग्रुप की टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी तो वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर लो मैं एक और प्लान कर रहा हूं कि कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक ओरिएंटेशन सेशन लेने का तो वो जब भी होगा उसके लिए मैं बता दूंगा थर्टीन को होगा कि फोर्टीन को ही होगा या पहला लेक्चर ही ओरिएंटेशन का होगा जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा Sir, 16 right, uh, right हाँ बेटा अब बिल्कुल सही है uh, अब आप स्टार्ट कर दो अभी चाहो तो दिसंबर में अल्टरनेट डेज में देते जाओ बट जनवरी में पर डे देना है ट्राई ये करना नाइन थर्टी टू ट्वेल्व थर्टी ही देना है ठीक है आप पढ़ाएंगे सर, अविनाश आपको बेस्ट वे में कराएंगे। मैं कि नहीं ये प्रॉमिस तो नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मैंने थर्मो का वीड़ा उठा लिया है तो अगर थर्मो देखो हमारे सर आ जाएंगे तो एम सर सर ही पढ़ाएंगे ठीक है नहीं आए क्योंकि कुछ लीगल इशूज चल रहे हैं हमारे और मुझे तो उम्मीद है तब तक शायद वो प्लेटफॉर्म में केमिकल ही बंद हो जाएगा ठीक है क्योंकि कोई भी बैच लॉन्च नहीं हुआ गेट एक्सपेक्टेड सीरीज लॉन्च नहीं हुई रैंक इंप्रूवमेंट बैच लॉन्च नहीं हुआ लास्ट बैच थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को लॉन्च हुआ था अभी तक ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स के लिए कोई बैच लॉन्च नहीं हुआ कोर्स सेल करने के लिए किसी को बोला नहीं जा रहा सिर्फ कोर्स कंप्लीट कराओ फिनिश करो तो मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी बंद होने वाला है तो जिनका सब्सक्रिप्शन है उनके साथ चीटिंग नहीं होगी बट उनको रिकॉर्डेड जाएगा और लाइव नहीं मिलेगा एक सर ऑलरेडी मैं छोड़ चुका हूं एक सर नोटिस पीरियड पे चल रहे हैं एक सर ने ऑलरेडी पीएसयू ज्वाइन कर लिया है एक सर का पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है और एक सर किसी तरह क्लास तो ले रहे हैं लेकिन अब एक सर के भरोसे एक प्लेटफॉर्म को रन कराना कितना टफ होगा और उन सर का हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से आ जाओ सर तो फिर बेस्ट वे में चले बस बॉन्ड वाला इशू है क्योंकि उनका लॉक इन का बॉन्ड है तो वो बॉन्ड जैसे ही रिलीज होता है या जैसे लीगली हम जीत जाते हैं या जैसे बंद होता है वो भी भी यहां पर आ जाएंगे इन केस कोई इशू होता है तो उनका कोर्स कैसे आपको प्रोवाइड करना है वो मेरे पास ऑप्शन है आपको मास ट्रांसफर कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर सब्जेक्ट कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर फेथ रखो यार है ना बस आगे मूव करो सुपर फॉर्म में मैं कराऊंगा या नहीं कराऊंगा इस पर मत फोकस करो मैं लास्ट चांस है कि मैं आपको कुछ फैकल्टी लेके सर नहीं आ पाए कुछ फैकल्टी लेकर आया और उस केस में उनका फीडबैक खराब कर दो आप नहीं सर नहीं मजा आ रहा वैसे होगा नहीं ये तो फिर लास्ट चांस है कि मैं मास्क पढ़ाऊं क्योंकि देखो मैं मास्क में इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त मास्क ट्रांसफर पढ़ाते हैं और हम आपस में कंपटीशन नहीं करना चाहते ठीक है और कोई नीड नहीं है तो इसलिए मेरे ऊपर मनाही डालो हाँ वो अलग बात है मैं पढ़ाता हूं मास्क मैं इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया हूँ कॉलेज में भी पढ़ाया हूँ और यहां तक कि आ, पूरे डिस्लरीज के बच्चों को पढ़ाता हूं मैं एक ब्रांच है डिप्लोमा इन फर्मेंटेशन एंड एल्कोहलिक टेक्नोलॉजी उनको पूरा डिस्लेशन ही पढ़ाता हूँ मैं ठीक है लेकिन सब्जेक्ट अभी गेट के लेवल में मैं आपको नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता अभी और एट द एंड नहीं कोई ऑप्शन बचा तो फिर मैं जिंदाबाद हूं है ना जब तक जान है तो फिर आपको नहीं झुकने देंगे आपको लॉस नहीं होने देंगे इतना मेरा प्रॉमिस है आपसे ठीक है चलो सर अभी जस्ट कोर्स ठीक है सर आई वाइज हाँ ठीक है बेटा चलो सर पेड वालों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है क्या सोहेल अभी नहीं अभी नहीं बट इन फ्यूचर मैं शिफ्ट करूंगा व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप ज्यादा आसान रहता है टेलीग्राम से ऐसा बच्चे बोलते हैं तो नीड पड़ेगी तो कर देंगे बट अभी नहीं है देखो बहुत सारे ग्रुप बार बार बनाओ नीड नहीं है एक ग्रुप रहे उतना ही सफिशियंट है ठीक है थीके? तो मुझे जो भी अपडेट देना होगा उसमें देता रहूंगा तो 50 ग्रुप बनाने की नीड नहीं है ठीक है चलिए तो अभी इस सेशन को एंड करेंगे और आपके सारे डाउट भी मैंने ले लिए हैं जो भी आपके डाउट थे तो आप लोग आराम से पढ़िए बस दो तीन टिप्स एट द एंड बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना हो पाएगा तो हो पाएगा नहीं होगा कोई बात नहीं जिंदगी का ये लास्ट एग्जाम नहीं होगा गेट ट्वेंटी फोर आप इसके बाद आपको कोई लाइफ में चांस नहीं मिलेगा इसके बाद आपको बार्क मिलेगा इसके बाद एसपीसीएल मिलेगा इसके बाद डीआरडीओ मिलेगा इसके बाद इसरो मिलेगा इसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम मिलेंगे जिंदगी का लास्ट एग्जाम नहीं है कि अगर इसमें रैंक नहीं आई तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपको कोई लाइफ में ऑप्शन नहीं मिलेगा बेटा जब आप छोटे थे जब आपने चलना सीखा था एक बार नहीं पचासो बार आप गिरे थे जब आप पहली बार गिरे तो मम्मी पापा ने आपको उठा लिया दूसरी बार गिरे तो किसी ने आपको उठा लिया तीसरी बार गिरे चोट लगी चोट पर आपको दवा दे दी गई मेडिसिन लगा दिया गया लेकिन जब बड़े होके गिरते हो ना तो हम इतनी तेजी से उठते हैं भाई साहब किसी ने देखा तो नहीं और सट से खड़े हो जाते हैं मेरी बेजीती तो नहीं हुई बस उसी तरीके से अब आप बड़े हो गए हो अगर गिर जाना तो इस तरीके से खड़े हो जाना कि किसी ने देखा तो नहीं और फिर हम आगे ऐसे चलने लगेंगे जैसे मैं गिरा ही नहीं बात समझ में आ गई बस ऐसे ही चल देने चलने दे, स्टार्ट कर देना है कि अरे किसी ने देखा क्या ये कुछ गिरा ही नहीं मैं तो चल दिया फिर से बस ऐसे ही चल देना है अगर आप गिर जाना तो वैसे अपने आप को गिरने मत देना कॉन्फिडेंस के साथ मूव करना दौड़ना उड़ना अभी बेस्ट एफर्ट दे दो अपने लाइफ का जो लाइफ में आपने आज तक इतना एफर्ट नहीं किया आज तक आपने इतनी पढ़ाई नहीं की वो पढ़ाई अभी करना स्टार्ट कर दो अपने आपको गिरने मत देना और गिर जाना तो इस तरह से उठ के चल देना जैसे किसी ने देखा ही ना हो मैं आपके साथ हूं मैंने आपको देखा मैं आपके गिरने पर कभी नहीं हंसूंगा अपना हाथ दूंगा और आपका हाथ थामूंगा कहेंगे चलो यार फिर चलते कोई बात नहीं ऐसे तो गिर जाते मैं भी गिर जाता था साथ चलेंगे कोई दिक्कत आ जाए सर नहीं हो पा रहा तो मुझे बोल देना आपको लगे आपके सपोर्ट में कोई नहीं है तो कानपुर आ जाना कुछ नहीं हो पाएगा सर मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा तो आके मुझसे मिल लेना लेकिन हार नहीं मानना तब तक नहीं मानना जब तक जब तक जब तक सक्सेसफुल नहीं बन जाना अपनी लाइफ में दूसरी चीज इस समय किसी को भी बीमार नहीं पड़ना अगर आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आ, मैं बीमार पड़ जा रहा हूं कोई इशू हो जा रहा है तो उस लिए आप सुबह जब भी उठिए कम से कम आधा लीटर से एक लीटर गुनगुना पानी पीजिए ठीक है कुछ नहीं है तो सुबह पांच से दस तुलसी की पत्ती धुल के खा लीजिए अगर पॉसिबल है तो आप एप्पल ले लीजिए और एक एप्पल डेली ऐसे खाइए चक्कू से काट के नहीं ऐसे ही दांतों से काट काट के ठीक है जहां सड़ा हो वहां पर चक्कू से निकाल दो ऐसे ही खाओ धुल लो अच्छे से और हल्के से गुनगुने पानी में धुलना और नहीं कुछ हो पा रहा तो कोई बात नहीं सिर्फ गुनगुना पानी पी लीजिए डेली ठीक है कपड़े पहन के रखिएगा लेकिन आप ब्लैंकेट में रजाई ओढ़ के नहीं पढ़ेंगे ब्लैंकेट ओढ़ के नहीं पढ़ेंगे टेबल चेयर में बैठ के पढ़िए सर्दी लग रही है सूच पहन लीजिए कपड़े पहन लीजिए टोपा लगा लीजिए है ना हेट लगा के रखिए लेकिन किसी भी तरीके से आप बेड के अंदर आ, ब्लैंकेट में बैठ के नहीं पढ़ेंगे तीसरा गेट का जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो फुल लेंथ टेस्ट जब भी टू ट्वेल्व थर्टी में ही दीजिए और साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज मत करिए हो सके तो पीसी में दीजिए हो सके तो लैपटॉप में दीजिए टचपैड का यूज मत करिए और माउस का ही यूज करिएगा सेव एंड नेक्स्ट करके ही आगे बढ़िएगा टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेगा और एट द लास्ट थिंग डेली बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करिए नंबरिंग करके और डेली फार्मूले लिखिए नंबरिंग करके बस इतने टिप्स एट द एंड आपको दे रहा हूं और आप दस दिन बाद मुझे बताइएगा आपके 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 भाव विचारों आपके में आपके में कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का चेंज दिख रहा है कि नहीं आपको मजा आ रहा है कि नहीं आपको लग रहा है कि नहीं आपको बस इतना लगना चाहिए होगा तो होगा मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा नहीं होगा तो फिर होगा बाद में होगा नेक्स्ट ईयर होगा लेकिन होगा जरूर और आप केमिकल इंजीनियर सो आप लड़ना सीखिए केमिकल इंजीनियर या तो जीतते हैं या सीखते हैं कभी हार नहीं मानते आप मेरे स्टूडेंट हो लड़ना सीखिएगा चलिए अभी यह सेशन यहीं पर एंड करूंगा ठीक है और गोपाल राय सर मैं पीडी आपसे ही किया हूं बट ऑप्टिमाइजेशन के बाद वाला लेक्चर नहीं किया समझ नहीं आया बहुत लेंदी लगा था ऑप्टिमाइजेशन के बाद वाला वो छोड़ दो इक्विपमेंट डिजाइन की बात कर रहा हूं ना अगर इक्विपमेंट डिजाइन का है तो वो छोड़ दो ऑप्टिमाइजेशन तक का पूरा कर लेना वो इंपॉर्टेंट है अब मत करो कंप्लीट सर ये सचुएशन आ गया है ऐसा क्यों लग रहा है बिकॉज माइंड में अब घुस ही नहीं रहा है ऐसा थॉट आता है हाँ आता है इसीलिए तो लिख लिख के पढ़ना है ऐसा लगने लगता है अब बस हो गया अब नहीं होगा ठीक है बेटा आप चीनी एक डब्बे में चीनी को भरिए और इसके बाद जब पूरी फुल हो जाएगी ना बस आपको क्या करना है उसको थोड़ा ठोकना है उठा के झुलाना है इधर उधर ऐसे पटकना है इसमें स्पेस इस और हो जाएगी और चीनी आ जाएगी ये वही टाइम चल रहा है जब आपको थोड़ा सा ऐसे ऐसे टिल्ट होना है अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देना है लिख के चीजों को पढ़ना है अगर आपको लग रहा है बहुत हो गया तो एक दिन का रेस्ट ले लो एक दिन का रेस्ट आपका कोई लॉस नहीं करेगा जाओ एक मूवी देखो जाओ एक दिन फ्रेंड के साथ घूम आओ लेकिन ऐसा नहीं फिर उनसे वादा कराओ मैं कल भी आऊंगा एक दिन का रेस्ट ले लो घर के घर वालों के साथ में टाइम स्पेंड कर लो किसी मॉल में चले जाओ ठीक घूम आओ जाके एक दिन रेस्ट ले लो फिर अगले दिन आपको नहीं फील होगा लिख के पढ़ो बोल के पढ़ो चीजें मैनेज हो जाएंगी और बस एक चीज याद रखो मेरी वो मंजिल है वहां पर मेरी सोने की चिड़िया है वो मेरा डेस्टिनेशन है मुझे वहां तक पहुंचना है हारना नहीं है झुकना नहीं है गिरना नहीं है लड़ना है तब तक जब तक मैं वहां पहुंचना जाऊं आपके अंदर मोटिवेशन बना रहेगा और इस टाइम पे जब भी आपको डिमोटिवेशन लगे ना मेरे सेशन ज्वाइन करते रहना आपको थोड़ा रिलैक्स फील होता रहेगा सबसे ज्यादा डिमोटिवेट वही होते हैं गिव अप वही करते हैं जो ये मान लेते हैं कि सेशन ज्वाइन करने में मेरा लॉस हो जाएगा नहीं बेटा लॉस नहीं होगा एक घंटे दो घंटे का टाइम मैं लूंगा लेकिन इतनी सारे टिप्स इतनी सारी चीजें आपको बता दूंगा कि वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा अपने से जितना नहीं कर पाओगे उतना मैं आपको समझा दूंगा उतना मोटिवेट कर दूंगा वो इंपॉर्टेंट है तो सेशन लेते रहिएगा ठीक है और मैं ट्राई करूंगा आज तो बहुत लेंदी हो गया बट मैं ट्राई करूंगा कि कोई भी सेशन मेरा एक घंटे से ऊपर ना जाए आज के बाद से कोई भी सेशन मेरा एक घंटे से ऊपर ना जाए गेट एग्जाम तक ठीक है वो अपने जूनियर्स को शेयर कर दो ये सारे कोर्सेज की लिंक शेयर कर दो और उनको बोल दो आंख करके बिलीव करो मूव करो अगले साल रिजल्ट देखिएगा चलिए ओके बाय बायच जय हिंद बेटा